हेलो स्पेरेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कंटिन्यू करते हैं आज का जैसा कि मैं बोल रहा था कि ग्लोबल अफेयर्स का हम एक ही पीडीएफ में पूरा कंटेंट देख लेंगे और वही हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें अराउंड वन फिफ्टी प्लस न्यूज मैंने ली हैं और इससे अलग आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ठीक है ये एन एफ है मोर देन एन एफ है ठीक है और बाकी जो आगे की हैं ये थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी तक की कवर करने की कोशिश की है मैंने लेकिन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में कुछ और होगा एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें और होंगी तो मैं मैंशन कर दूंगा, अदरवाइज़ फिर हम फेबर फर्स्ट वीक की उन एक्सपीरियंट्स uh, के लिए रखेंगे जिनका एग्ज़ाम फिफ्थ ऑफ फेबर के बाद में है ठीक है कंटिन्यू करते हैं आज की इस डिस्कशन में विद द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे और ये है न्यूक्लियर बैटरी से रिलेटेड न्यूज है दैट चाइनाज बेटा वोल्ट एक स्टार्टअप है ये ठीक है इन्होंने एक नई न्यूक्लियर बैटरी जो है वो इंट्रोड्यूस की है जो कि इनका ये क्लेम है कि इट विल प्रोवाइड अन इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ओवर फिफ्टी ईयर्स विदाउट द नीड फॉर चार्जिंग और मेंटेनेंस तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ठीक है क्योंकि इसमें ना तो आपको बार बार चार्जिंग की जरूरत होगी और ना इसको मेंटेनेंस के अलग से कोई एफर्ट्स करने होंगे इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि चाइना में डेमोग्राफिक क्राइसिस है तो अभी क्या है कि कंटिन्यूसली uh, uh, इस सेकेंड ईयर का डेटा जो आया है चाइना से वो ये बता रहा है कि इस बार भी उनकी पॉपुलेशन uh, जो है वो कम हुई है और इसमें एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है इनके लिए सिनारियो वो ये है कि एक तो जो ओल्डर एज uh, के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन तो भड़, uh, उनका नंबर तो जो है पॉपुलेशन में बढ़ रहा है ठीक है और जो इनका या जो यूथ है 15 टू 45 या फिफ्टी वाला जो बीच का ये वाला एज ग्रुप है इसका नंबर जो है वो कम हो रहा है जो कि काफी चैलेंजिंग होने वाला है इन कमिंग डिकेट्स फॉर चाइना ठीक है इसके बाद हम देखते हैं और अभी ये भी पता होना चाहिए हमें कि हम यानी कि इंडिया जो है वो अब लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का ठीक है हालांकि हमारा जो ऑफिशियल जो पॉपुलेशन का डेटा है वो अभी आया नहीं है क्योंकि अभी सेंसस रेगुलर है और ट्वेंटी ट्वेंटी की सेंसस अभी होना है लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो पॉपुलेशन असेसमेंट है उसमें बताया गया है कि इंडिया जो है ऑलरेडी सरफास्ट कर चुका है चाइना को इसके बाद देखते हैं हम थर्ड वन दैट इज ग्रीन रूम्स ये क्यों न्यूज में था और कहाँ पर ये ग्रीन रूम्स क्रिएट किए गए तो अभी जो आप देख पा रहे हैं कि नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है उसके साथ कोलाबरेट करते हुए इन्होंने क्या किया है कि जो यूक्रेन में ग्रीन रूम्स का इस्टेब्लिशमेंट किया है अब यहाँ क्या ज़रूरत थी इसकी क्योंकि यूक्रेन रसिया यूक्रेन वॉर में जो है यूक्रेन में अच्छी खासी तबाही मची हुई है और उसकी वजह से वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है सफरिंग करनी पड़ रही है और इस वजह से वहाँ के लोगों को कुछ ज़रूरी जो उनकी नीड्स हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए और इन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो है ये एक नया एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यू किया गया है जिसको बोला गया है ग्रीन रूम्स ओके इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दैट ग्रांड्स फॉर एनका प्रोविंस तो ये एनका प्रोविंस जो है ये कहां पर है पहली चीज तो पपुआ न्यू गिनिया ओके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये एक वहां पर इनके लिए जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी और जो कि यूएन की एक इंपॉर्टेंट uh, एजेंसी है और साथ में यूरोपियन यूनियन इन दोनों ने मिलकर जो है इन्हें एक ग्रांट्स अलोकेट किए हैं और वहां पर इश्यूज क्या हैं जिनके लिए इन्होंने ग्रांट्स दिए हैं एक तो वहां पर डिफॉरेस्टेशन की बड़ी समस्या है साथ ही साथ अगर हम वहां पर देखें तो वहां पर जो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी uh, का भी एक बड़ा इशू बना हुआ है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है वहां के लिए इसके बाद हम देखते हैं दट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सोइल ओके या ई e सोइल कल भी हमने इसकी बात की थी और ये लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन है वहाँ के रिसर्चर्स वहाँ के लेबोरेटरीज में डेवलप हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको ध्यान रखना इस बार एग्जाम में पक्का ये पूछा जाएगा इसके बाद हम देखते हैं दट साइक्लोन अल्वारो ओके तो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है ट्रॉपिकल एरियाज uh, के साइक्लोन का फॉर्मेशन अलग होता है और सब ट्रॉपिकल या हम देखें कि अपर जो अगर आप uh, की तरफ जाएंगे तो उधर का जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है ठीक है तो उसमें हम नहीं जाते हुए फिलहाल यहां देखेंगे क्योंकि वो जो, जोग्राफी का अलग पार्ट हो जाता है ये अलवारो साइक्लोन जो है ये इसका लैंडफॉल अगर देखा जाता है तो ये साउथ वेस्ट ऑफ मेडागास्कर में देखने को मिलता है ठीक है फर्स्ट वन पहला फैक्ट ये पता होना चाहिए आपको तो मेडागास्कर जो आप देखेंगे यानी कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज का अगर मैपिंग देखते हैं हम और इधर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा ठीक है ये पूरा इंडियन ओसिन है इंडियन ओसिन रीजन है तो यहां पर मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर जो है एल्वारो साइक्लोन की लैंडफॉलिंग हुई है और इसकी वजह से इधर के इस कोस्टल एरिया के जो भी कंट्रीज है उन सबको अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान हुआ है इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो देखते हैं वो है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एंड स्पेशल वॉच लिस्ट तो ऐसी लिस्ट कौन निकालता है जो फ है, है उसकी तरफ से यह लिस्ट uh, निकाली जाती है और इसमें यह पर्टिकुलर कंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके लिए ये बताते हैं कि एक्ट है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट उसके अकॉर्डिंग जो है ये कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर इनको अलग अलग कंट्रीज़ को कैटेगराइज़ करके रखते हैं हालांकि ये एक जियोपोलिटिकली अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए यूएसए ऐसा करता है क्योंकि ये इसकी अपनी पंचायत है आ, क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं ये एक पर्टिकुलर कंट्री है जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़ तो इसकी ये किस तरह से कंट्रीज़ को देखता है इसका कोई मैटर करता नहीं बाकी कंट्रीज को करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया को भी कहीं कहीं ये स्पेशल वॉच लिस्ट में रखता है ठीक है तो ये हमारे लिए भी काफ़ी बार इन्होंने जो है ऐसा नोटिफाई किया है कि इंडिया स्पेशल वॉच लिस्ट में है यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम एंड लाइक इश्यूज़ हैं और इनका रिलीजियस फ्रीडम्स का वोइलेशन होता है ऐसा कुछ है तो फिलहाल बस इतना ही याद रखना है हमें कि पर्टिकुलर कंसर्न एंड स्पेशल वॉच लिस्ट है वो यूएस की तरफ से निकाली जाती है उसके बाद वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट ये अभी लेटेस्ट जो रिसर्च फार्म है स्काई ट्रैक्स उसकी जो लेटेस्ट अभी इंडेक्स आई है उसमें इन्होंने बताया कि जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है ठीक है और ये ट्वेल्थ टाइम जो है इसने ये टाइटल इसको मिला है इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम कंटिन्यू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है 2023 सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और टेस्ट ईयर जो है वो बन चुका है तो अभी लेटेस्ट जो यूरोपियन यूनियन का जो ऑर्गेनाइजेशन है कोपन निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ओके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी कि जो 2023 है वो हॉटेस्ट रिकॉर्ड में और जो 2016 इससे पहले हॉटेस्ट माना गया था उसका रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिया है ठीक है तो इसमें आपको पता होना चाहिए और ऐसा भी बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट लास्ट वन लाख ईयर्स में जो है ये आ, पिछला जो एक डिकेड है इसको वार्मेस्ट पीरियड माना गया है ठीक है बाकी और भी कई चीजें डिटेल में होती हैं कि कैसे ये सब चीजें आती हैं और किस तरह से किन किन चीजों का इन पर इम्पैक्ट देखा गया क्लाइमेट चेंज में क्या क्या इश्यूज रहे वो सब इस एग्जाम के कंटेक्सट में इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिलहाल इतना ही देखेंगे उसके बाद देखते हैं कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने वहां पर एक एक्ट के एक थ्रू जो है डोग मीट को जो है बेन कर दिया है बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज है द बी ए पी एस हिंदू मंदिर तो क्यों न्यूज में है ये कि अभी आबुधाबी में जो है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है इस मंदिर को जो है इनोग्रेट करने वाले हैं तो यहाँ का जो है ये फर्स्ट हिंदू टेंपल होगा यूएई में ठीक है यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स का ये पहला हिंदू टेंपल होगा और खास बात ये हो जाती है कि इसका जो बिगनिंग हुई थी इस स्ट्रक्चर की तब भी जो है प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था और ये अब बता रहे हैं कि फेबर फोर्टीन को जो है इसको इनोग्रेशन होगी फाइनल एंड ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हिंदू टेम्पल है ये इंडिया के बाहर का जो है वेस्ट एशिया में लार्जेस्ट होगा इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम ये देख लेते हैं जो मैं अभी बता रहा था कि जो 2015 में जब अपनी प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट विजिट की थी यूएई में तब इन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन की बिगनिंग में जो है यूएई ने जो है इसके लिए लैंड भी एलोकेट किया था और तब से इसका काम कंटिन्यू हो गया था BAPS को अगर आप समझे तो ये बोझ सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं आईएमएफ की तरफ से एक बेल आउट ट्रांच जो है वो पाकिस्तान को भी दिया गया है ठीक है अमाउंट जो है वो सेवन हंड्रेड मिलियन डॉलर का बेल आउट ट्रांस दिया गया है ठीक है और ये लेटेस्ट जनवरी इलेवन को ही ये इश्यू किया गया है जो उनका अरेंजमेंट है आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का जैसे कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट बोला जाता है वो थ्री बिलियन डॉलर का है तो उसी के अंडर जो है ये अमाउंट इनको इशू किया गया है ठीक है और ये क्यों किया गया ये तो हम समझ ही सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ऑलरेडी अच्छा खासा स्ट्रगल कर रही है और काफ़ी फाइनेंशियल इशूज़ उनको फेस करने पड़ रहे हैं इसलिए उनके पास जो है अच्छा खासा प्रॉब्लम हो गया है उनके पास ना फॉरेन रिजर्व बचा है और ना ही उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रोंग है उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस जो है वो फर्स्ट बन गया है टू तो इंट्रोड्यूस फुल्ली डिजिटल शेंजेन वीजाज ओके तो इस सेंजेन जो है इसको आप ध्यान में रखिए सेंजेंस एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंट्रीज होती हैं यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन एरिया में वो क्या करती हैं कि उनमें आपको जो है पर्टिकुलरली अलग अलग कंट्री का वीज़ा लेने की जरूरत नहीं होती है आप शेंजन वीज़ा करके एक वीज़ा है वही अप्लाई करिए और उसके बाद उन सभी सर्टेन नंबर ऑफ कंट्रीज़ में आपको जो है विजिट करने की एक साथ जो है परमिशन मिल जाती है ठीक है तो फ्रांस भी उसका पार्ट है और इसी कंटेक्सट में फ्रांस ने भी अपने जो 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स करवाने हैं पेरिस में उसको कंटेक्सट में ध्यान में रखते हुए जो है इन्होंने फुल्ली डिजिटल सेंजन वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि फ्रांस पहला कंट्री भी बन गया इसी के साथ बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है बाकी जो ओलंपिक के रिलेटेड न्यूज होंगी वो तो जब होगा तब देखा जाएगा फिलहाल इस एग्जाम में इतना ही ध्यान में रखना है ठीक है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया ओके तो ये क्या हुआ है कि डेनमार्क जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया और ये एक इनिशिएटिव होगा ऑब्वियसली टू बूस्ट कलाबरेटिव एफर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क ठीक है तो ये सस्टेनेबल एनर्जी के कंटेक्सट में uh, चर्चा होगी उसी सेक्टर पर काम किया जाएगा और ये फिलहाल डेनमार्क ने जो इसकी अनाउंसमेंट की है वो तमिलनाडु के जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 जो चेन्नई में हुआ है अभी जनवरी uh, मंथ में उसमें इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है इंडिया के कुछ टारगेट्स देख लें अगर तो इंडिया ने जो अपना कार्बन न्यूट्रलिटी यह जीरो कार्बन का जो टारगेट रखा है वो 2070 तक रखा हुआ है ठीक है डेनमार्क की खास बात यह है कि ये जो ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज हुआ 2024 का उसमें ये टॉपर रहा है ठीक है और साथ ही में ये कहता है कि हम तो 2015 तक की जो है कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे ठीक है तो काफ़ी एडवांस कंट्री है इस मामले में इसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया है अभी लेटेस्ट में कि उन्होंने आई सी डी इलेवन ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल टू है वो लॉन्च कर दिया है ठीक है तो ये आई सी डी इलेवन क्या है एक्चुअल में ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है ठीक है तो वैसे भी हम समझ सकते हैं कि जब डिजीज वगैरह और हेल्थ रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर जब डिस्कशन होगा तो मोस्टली डब्ल्यू एच ओ ही इंटरनेशनल लेवल पर ये सब चीज़ें करता है तो उन्होंने अब लेटेस्ट ये मॉड्यूल uh, लेकर आए हैं और इसके अंदर जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पार्ट टू है वो इन्होंने लॉन्च किया है और ये न्यू डेली में ही इन्होंने है, है, कि तो अगर इसमें देखते हैं, तो आयुर्वेदा को इन्होंने कंसिडर किया है सिद्धा को किया है और यूनानी सिस्टम को किया है ठीक है और ये तीनों ही चीजें अगर आप देखें तो कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है इनके साथ तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ओके आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आयुष का मतलब ये कौन कौन सी एरियाज जो हैं वो मेडिकेशन के अपने अंडर जो हैं उनको कंसिडर करता है या टाइप ऑफ जो हमारे पास अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज हैं इंडियन मेडिसिन सिस्टम के अंडर वो हमें पता होनी चाहिए उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दैट एशिया अफ्रीका में एक कंपेंडियम है ऑन मेन स्ट्रीमिंग मिलट्स ओके और इसके ऊपर जो है एक तो नीति आयोग हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ठीक है डब्ल्यू इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट कि कौन कौन इंस्टीट्यूट जो हैं वो पार्टनर हैं इसमें जिनकी तरफ से ये लॉन्च किया गया तो ये एक्चुअल में चाहते हैं कि जो मिलेट्स हैं वो हमारे डेली फूड हैबिट्स का पार्ट बने ठीक है एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि अगर हम देखा जाए तो यही मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मिलेट्स के और साथ ही साथ इनमें ही सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंड नीचे जो पॉपुलेशन देखी जाती है वो भी सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर इन्हीं दो कंट्रीज या इन इन दो कंटीनेंस में देखने को मिलता है ठीक है तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मिलेट्स को भी कंसिडर करें इसकी वजह से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक तो उनकी फूड सिक्योरिटी का इशू जो है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल जो इश्यू है ये वाली चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इनको मिल पाएगी ठीक है इसके बाद हम इसी में देखते हैं जो ये कंटिन्यू किया गया था इन्होंने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो जुलाई 2022 से इन्होंने ये एक जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में स्टार्ट किया था ठीक है इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और पक्का पूछी जाएगी कि इंडिया की जो पी एस यू है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ठीक है जिसको शॉर्ट में काबिल बोलते हैं ये इंडिया की पी एस यू का ये पहला प्रोजेक्ट है जो अब्रोड में इन्होंने माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए साइन किया है किसी फॉरेन कंट्री के साथ ठीक है तो ये साइन जो हमने किया है एग्रीमेंट ये अर्जेंटीना में किया है और अर्जेंटीना की जो वहाँ की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है केमेन एस करके या कैटामार का मिनर सोसाइटेड डेल एस्टाडो ठीक है ये कैटामार्का लोकेशन पर है अर्जेंटीना की कैटामार्का प्रोविंस में है उनके साथ जो है ये एग्रीमेंट किया किया है और किस लिए किया है फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ओके तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्रीमेंट की वर्थ बताई जाती है अराउंड टू हंड्रेड करोड़ और ये फर्स्ट एवर जो मैं बता ही रहा था, था कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एंटरप्राइज की तरफ से पहला ये प्रोजेक्ट है जो अब में किया जा रहा है लिथियम के पाँच ब्राइन ब्लॉक्स जो हैं वो हमको मिले हैं और वहाँ पर उनकी जो है एक्सप्लोरेशन होगी माइनिंग होगी और इनमें इनके नेम्स भी आप देख सकते हैं क्योंकि इनके थ्रू भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्टेन टर्म्स आर इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो ये कोटा डेरा फर्स्ट कोटा डेरा सेवन एट सिक्स एज वेल एज के टी ओ टू जीरो टू टू एंड जीरो वन एट वन जीरो वन थ्री टू तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो मलेरिया फ्री कंट्री के टैग से लेकर है किस कंट्री को भी रिसेंटली डब्ल्यू एच ओ ने डिक्लेयर किया है रिपब्लिक ऑफ कैबो वर्डी ओके या फिर इसको कैबो वर्डी भी बोलते हैं या कैप वर्डी भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है और इसी के साथ क्या है कि ये कैबो वर्डी जो है वो अफ्रीकन रीजन का थर्ड कंट्री बन गया है ठीक है तो अफ्रीकन रीजन का ये कन्फ्यूज कर सकता है कि फर्स्ट कंट्री तो ऐसा नहीं करना है ये थर्ड कंट्री बन गया है और इससे पहले जो फर्स्ट कंट्री था वो मॉरीशस 1973 और अल्जीरिया इन 2019 ये रिसेंट में ही फ्री हुआ था इसके बाद हम देखते हैं कि रिसेंट में जनवरी मंथ में ही हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो ईरान की विजिट पर गए थे ठीक है तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, थी और ये जियोपोलिटिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है क्योंकि जस्ट बिफोर द ईरान विजिट ही विजिटेड टू रसिया और रसिया ईरान को अभी हम देख ही रहे हैं काफ़ी क्लोज़ हैं तो इस वजह से इंडिया इन दोनों के साथ अलाइनमेंट में लेकर चल रहा है और रशिया तो हमारा ऑब्वियसली ऑल वेदर फ्रेंड है तो इस कंटेक्सट में इंडिया ने जो है ईरान को भी सब तरह से साधने की कोशिश की है क्योंकि जिस तरह से इसराइल इस के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है हमास का और यू उनके साथ खड़ा है और यूक्रेन में जिस तरह से इशू है उसकी वजह से यूरोपियन कंट्री जिस तरह से रशिया से नाराज़ है इन्हीं सब इश्यूज़ में इंडिया का एक बड़ा ये डिप्लोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट विजिट मानी जाती है तो इसमें देखते हैं कि यह यहाँ के डॉक्टर जो होसीन अमीर अब्दुल्ला मिनिस्टर, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई और काफी चीजों पर एग्रीमेंट साइन हुए और एग्रीमेंट साइन किया है जो डेवलप भी इंडिया ने किया है एक्चुअली तो यह, इससे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह, इसकी लोकेशन जो है वो ईरान में है इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है साथ ही साथ इन्होंने वहां पर अपनी स्पीच में यह भी अनाउंस किया कि हम जो है परसियन या फारसी लैंग्वेज को हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें हमने रखा है और इसके साथ ही जो है ये जो है इंडिया की नाइन्थ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बन बन जाएगी पर इस पर जो ऑफिशियल जो एक चीज़ है वो आना बाकी है कि ये किस तरह से इसको नाइन्थ क्लासिकल लैंग्वेज मानकर चल रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल डेटा जो अभी तक हमारे पास है वो यही कहता है कि हमारे पास टोटल सिक्स लैंग्वेज को हमने क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया हुआ है जिनमें फ़र्स्ट हमने ट्वेंटी फोर uh, में जो है टू थाउजेंड फोर में तमिल को लिया था उसके बाद संस्कृत को लिया था दैन कन्नड़ को लिया था उसके बाद तेलुगू को भी सेम ईयर में लिया था साथ में और फिर लेटेस्ट में देखें मलयालम और उसके बाद उड़िया तो ये छह लैंग्वेजेस हैं वो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और ऑफिशियली डेटा अभी हमारे पास यही है लेकिन हमारे पास ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें हमने पाली पर्सियन और प्राकृत को भी एड किया हुआ है तो आई थिंक इस बेसिस पर इन्होंने जो है नाइन लैंग्वेज को कंसिडर किया है पर अभी इस पर ऑफिशियल कुछ और कन्फर्मेशन आएगी उसके बाद आगे हम देखेंगे पर फिलहाल आपको इस एग्जाम के कंटेक्ट में तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि यू के कंटेक्सट में इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि उड़िया वाला जो ट्वेंटी फोर्टीन है इसका क्वेश्चन आ गया था आपको प्रीलियम्स ट्वेंटी ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी फिफ्टीन में इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो उसके बाद से देखिए अब ये इस पर क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि रिसेंट uh, में फिर एस जयशंकर की नेपाल में भी विजिट हुई है ईरान वाली विजिट के बाद और ये देख सकते हैं जनवरी 2024 में आई थिंक इससे पहले ही हो गई थी इनकी रसिया और ईरान की विजिट बाद में हुई है तो यहाँ पर इन्होंने uh, अभी कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं कुछ डील हुई है उनमें क्या है एक तो ये हुआ है कि यहाँ पर पावर डील हुई है इसमें क्या है वो uh, नेपाल uh, हमें नेक्स्ट टेन ईयर्स के लिए टेन गीगावाट और दी टेन मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सपोर्ट करेगा ठीक है फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान में होनी चाहिए दूसरी हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है इनको अंडर दी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें हम आगे से ऑलरेडी देते आए हैं और इसी कंटेक्स में फिर से कंटिन्यू किया है क्योंकि अभी लेटेस्ट यहाँ पर ये यह हुआ था कि यहाँ पर अर्थ करके जो है इनको डिजास्टर फेस करना पड़ा नेपाल को उस वजह से हम इनको हेल्प कर रहे हैं सेवेंटी फाइव मिलियन यू ओके यू डॉलर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दैट इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइंड बायलेटरल हज़ एग्रीमेंट 2024 ठीक है तो इसमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि किस कंट्री के साथ साइन किया है और ये जेदा जो कि सिटी है सऊदी अरेबिया वहाँ पर हमने साइन किया है और कितने इसके अंडर जो कोटा मिला है हमें कितने पिलग्रीम्स का मिला है वो वन लेख सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव परसन जो हैं उनका इंडिया से कोटा मिला है वो फाइनलाइज़ किए गए हैं फॉर हज़ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए ओके और इसमें भी ये बाकी डिटेल में देखने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दैट इंडिया जो है वो चेयर भी करेगा और होस्ट करेगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई 2024 ट्वेंटी इंपॉर्टेंट है पूछ लिया जाएगा और इसकी लोकेशन जो रहेगी वो न्यू डेली रहेगी यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो डब्ल्यू या वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो एनुअली हर जगह होती है तो इस बार की जो फोर्टी सेशन ये होगा ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो फोर्टी सिक्स सेशन हम जो है यहाँ पर करेंगे और ये पहली बार है कि इंडिया इसको चेयर भी कर रहा है और होस्ट कर रहा है ठीक है ये भी फैक्ट पता हो चेयरपर्सन किसको हमने यहाँ से रखा है तो हमारा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को में दैट इज़ विशाल वी शर्मा वो चेयरपर्सन होंगे और रापोल्टी और इसके जो होंगे वो बेल्जियम से मिस्टर मार्टिन औक लानी होंगे बाकी वाइस चेयरपर्सन देखने की जरूरत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं दैट इंदौर भोपाल उदयपुर ये नॉमिनेट किए गए हैं फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एग्रेडि एग्रेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों सिटीज़ का पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए वो देखने वाली बात होगी पर क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आने वाला है उदयपुर राजस्थान की लेक सिटी भोपाल आप देखेंगे ये एमपी में और इंदौर जो है ये भी एम में ठीक है तो यहाँ इन सिटीज़ के अराउंड और इन सिटीज़ में जो जो वेटलैंड्स हैं उनको स्पेशल एक प्रोटेक्शन तो मिले ही मिले साथ में एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिले इसी कंटेक्सट में ये रखा गया है और ये स्कीम जो है वो रामसार कन्वेंशन के अंडर ही है और रामसार कन्वेंशन का अगर आप देखें तो 1971 क्योंकि ये साइन हुई थी और इंडिया ने इसको जो है 1972 में ज्वाइन किया था और ये सेकेंड ऑफ हैब 1971 में रामसार ये ईरान की एक सिटी है वहाँ पर साइन हुई थी और इसका पर्पज़ है वेटलैंड्स को उनकी कंजर्वेशन करना उनको प्रमोट करना और उनको जो है एक सस्टेनेबल फ्यूचर उनको देना ये इनका प्रायोरिटी था ठीक है तो ये तीनों जो हैं ये फर्स्ट थ्री कंट्रीज हैं ये भी पता हो आपको इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि जो ये वेटलैंड सिटी एग्रेडाइजेशन स्कीम है ये इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को जो है 2015 में जो हुई थी रामसार की वहां से इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था ठीक है तो ये भी आपको पता हो इसके बाद हम देखते हैं दैट जो फूड प्राइस इंडेक्स दिसंबर का रहा है वो 10.1 परसेंट रहा है जो कि 2020 लेवल से कम रहा है तो ये एक अच्छी बात है कि ठीक है फूड वाले जो अगर स्पेसिफिक एरिया में देखें तो इन्फ्लेशन कम देखने को मिला है हमें दिसंबर ट्वेंटी में इन कंपेरिजन टू दी प्रीवियस ईयर्स द सेम मंथ ओके और पूरे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का अगर फूड का अगर हम देखते हैं फूड प्राइस इंडेक्स तो वो वन ट्वेंटी फोर पॉइंट्स पर रहा है ठीक है जो कि ये भी लोअर है इन कंपेरिजन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है तो ये भी एक अच्छी खबर है इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दैट फोर्थ एडिशन ऑफ ए डब्ल्यू एक्सरसाइज सी ड्रेगन ट्वेंटी फोर ठीक है तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है ये कहाँ पर होती है पहला तो आपको यह आइडिया हो और अभी इस बार ये किस लोकेशन पर हुई है तो जनवरी ट्वेंटी टू को जो भी जनवरी टेन टू ट्वेंटी टू तक ये एक्सरसाइज चली है आपके एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम यूएसए ठीक है ये आपको पता हो यूएसए इसको कंडक्ट करवाता है एनुअल एक्सरसाइज है मल्टी नेशनल एच एक्सरसाइज है तो काफ़ी कंट्रीज़ के जो हैं इसमें फोर्सेज पार्टिसिपेट करती हैं हमारे इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इस बार और यहाँ से पी एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया ठीक है और इसमें एक्चुअल भी यहाँ पर जो है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ए एस डब्ल्यू इसका एक अलग जो इसका देख सकते हैं कि एक्सरसाइज का एक पार्ट है उसका फोर्थ एडिशन भी साथ साथ चल रहा था ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसमें वो पता होना चाहिए सिक्स कंट्रीज हैं इंडिया और यूएस तो हो ही गए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जापान है कनाडा एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया और दी साउथ कोरिया ओके इसके बाद हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 आया है ठीक है तो इसकी रैंकिंग में इंडिया ने एटीथ रैंक अपनी अचीवमेंट रही है हमारी और इसमें हम देख सकते हैं कि जो टॉपर कंट्री है वो यहाँ पर आ, देख सकते हैं फ्रांस देन जर्मनी एंड देन इटली ओके रेस्ट ऑफ दी आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन तो इंडिया का रैंक आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जो रहा ट्वेंटी वाली जो रैंक आई उसमें एटी था तो इम्प्रूवमेंट किया है हमने और नेक्स्ट न्यूज इसके बाद देखते हैं दैट इंडिया रैंक्स सेकंड इन एम एस इंडेक्स ठीक है तो ये एमएससीआई ई एम दट मीन्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है और इसमें एक अच्छी खबर ये रही है कि इसमें हमने ताइवान से आगे निकल गए हैं और हमारा रैंक अब सेकंड रहा है और फर्स्ट स्पॉट पर जो है वो चाइना है ठीक है तो ताइवान अब पीछे है हमसे और चाइना के बाद सेकंड पर इंडिया है इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे फ्रेट एक्टिविटी इंडेक्स ठीक है तो ये किन दो इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर निकाला है यूएसए का एक फ्लोरिडा बेस्ड है डून ब्रेड स्ट्रीट ठीक है और एक जुपिटर वैगन्स लिमिटेड ठीक है इन दोनों ने मिलकर इंडियन रेलवे फ्रेट एक्टिविटी इंडेक्स अभी फिफ्टींथ इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन हुई थी प्रगति मैदान न्यू दिल्ली वहां पर जो है इन्होंने लॉन्चिंग की है इसकी फिलहाल इतनी इस पर आ, है इसके अलावा इस पर और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये दो इंस्टीट्यूट्स की बात होगी और कहाँ से इन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है इसके बाद हम देखते हैं दैट जो आईआईटी मद्रास है वो अब एक नया कैंपस एस्टैब्लिश करेगा कहाँ पर कैंडी श्रीलंका में ओके तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आई मद्रास इससे पहले भी एक और कंट्री में जो है इंडिया का फर्स्ट एब्रॉड इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने जा रहा है ट्वेंटी में ये न्यूज़ आई थी तो वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है जांजीबार में वो इनका कैंपस होगा ओके ये लोकेशन पता हो और इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने भी अपना जो है बोला था कि हम जो है वो यूएई में दुबई में हमारा कैंपस होगा और अब ये थर्ड न्यूज़ है आईआईटी से रिलेटेड की अब मद्रास श्रीलंका के कैंडी में भी स्टेब्लिश करने जा रहा है इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इसके ट्रेंड्स 2024 करके जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या आई की तरफ से ये निकाला जाता है एनुअल रिपोर्ट है तो इस बार के जो ट्रेंड्स हैं इनमें इन्होंने क्या कहा है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि ट्वेंटी में ये फाइव रहेगा एज कम्पेयर टू फाइव इन द प्रीवियस ईयर तो इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉइंट वन यानी कि एक स्लाइड मार्जिन के साथ जो है ये इंक्रीज होने की संभावना है फिलहाल यही ध्यान रखना है और इसके साथ ये ये भी कहते हैं इनका प्रडिक्शन बताता है कि जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होंगे वो 2024 में एडिशनली टू मिलियन लोग और ऐड हो जाएंगे इसमें ठीक है ग्लोबली इसके बाद हम देखते हैं रसियन विजिट जो जयशंकर की थी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो न्यूज़ आ गई है ये ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन्थ दिसंबर पर यहाँ पर विजिट पर थे ठीक है और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट साइन हुए उनमें आप देख सकते हैं कि जो कुडन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हमारा तमिलनाडु में है वो रसिया के साथ पार्टनरशिप में ही ये कंटिन्यू हो रखा प्रोजेक्ट है तो उस पर भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं यहाँ पर ठीक है और इसमें रसिया के साथ हमने जो आ, इंडिया रसिया ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है उन कंसल्टेशंस फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर्स टू मेक प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक कॉपरेशन, एनर्जी ट्रेड कनेक्टिविटी मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज ठीक है तो ये आपको पता हो कि नेक्स्ट फोर ईयर के साथ ये सब देखे और फिर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि, कि किस कंट्री के साथ एक्चुअल में ऐसा आ, क, ये प्रोटोकॉल जो है हमने साइन किया है ठीक है उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हेल्थ से दट आर ट्वेंटी वन और द मेट्रिक सेम यह है क्या एक्चुअल में ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ये नई वैक्सीन है जो मलेरिया के अगेंस्ट काम करेगी आ, ये 2022 से ही काफ़ी न्यूज़ में है लेकिन अभी जो डब्ल्यू ने जो है इसको रिकमेंड किया है इस वैक्सीन को कि अब आप इसको यूज करिए और ये डेवलप किसके द्वारा की गई है तो इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो एक इंस्टीट्यूट है जेनर इंस्टीट्यूट ओके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन यू के एज वेल एज द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि प्राइवेट uh, कंपनी है हमारी uh, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है इन दोनों ने मिलकर जो है ये नोवा वैक्स की जो एडजुवेंट टेक्नोलॉजी उसको एक्सप्लोर करते हुए उसके बेसिस पर इन्होंने इस वैक्सीन को तैयार किया है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन ओके तो ये मैक्स ये जो वैक्सीन डेवलप की गई है इसमें इनको सपोर्ट भी मिला है टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप ईडी सिटी भी तो एक्चुअली ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मैनर में चीज़ें होती हैं और उसके लिए अच्छा खासा रिसर्च बेस भी चाहिए होता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल फंड्स भी अच्छे खासे चाहिए होते हैं तो उस वजह से जो है इसमें काफ़ी इंस्टीट्यूट जो है इनिशियली आपस में कोलाबरेट करते हैं तो ये सभी का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसमें पार्टनर हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हम देखते हैं दैट नॉर्थ अमेरिका का जो फर्स्ट गांधी म्यूजियम है वो हस्टन सिटी में जो है इन्होंने ओपन कर दिया है इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल न्यूज है इस एग्जाम के कंटेक्स्ट में और ये आप देखेंगे जो हस्टन है वो एक टेक्सास इनका जो है वहां पर इसकी लोकेशन है वहां पर पहला गांधी म्यूजियम ओपन हुआ है इसके बाद नेक्स्ट है दैट जो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स है वो अभी आए हैं टू अवॉइड दी ग्रीन वॉशिंग तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी यूपीएससी में तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्रीलिम्स में और यहाँ पर जो है ग्रीन वॉशिंग को लेकर भी पूछा जा सकता है और साथ में ये इस फैक्ट को लेकर भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से किया गया है तो यूरोपियन यूनियन के लॉ मेकर से उन्होंने इसको अप्रूव किया है ठीक है और इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स की जरूरत होनी चाहिए वो न्यू स्टैंडर्ड्स इन्होंने अप्रूव किए हैं ठीक है तो अल्टीमेटली ये हेल्प करेंगे कंट्री जो कंपनीज हैं उनको सस्टेनेबल मार्केटिंग करने में और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग करने में ठीक है ताकि वो मिसलीडिंग और क्लाइमेट फ्रेंडली के नाम पे जो क्लेम करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो ना करें और एक ट्रांसपेरेंट अपनी कैंपेनिंग रखें ठीक है क्योंकि ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स पर इको फ्रेंडली लेबल तो लगा देते हैं पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है तो जो जेन्यून प्रोडक्ट हो उसी पर ये लगाया जाए यही है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक्चुअल में ग्रीन वॉशिंग वाली बात हो जाती है तो इसके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड्स को जो इंट्रोड्यूस किया है टेक्निकली उनको बोला है यूरोपियन ग्रीन बॉन्ड लेवल ओके इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दैट सी सी आई सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क स्टियरिंग ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा 2001 से ये आया था और ये एक स्टेचुट्री बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ठीक है तो इसकी तरफ से जो है इसको पहली बार अब यहाँ पर मेंबरशिप मिली है जो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है उसमें उसके स्टीयरिंग ग्रुप में मिली है ठीक है तो ये पता रहे आपको और ये इसकी जो ट्वेंटी सेकेंड एनअल कॉन्फ्रेंस होगी ये और ये कहाँ पर होस्ट हुई थी अभी स्पेनिश नेशनल मार्केट एंड कॉम्पिटिशन कमीशन बार्सिलोना स्पेन में ठीक है तो अक्टूबर में यहाँ पर हमें ये अनाउंसमेंट हुई थी और यहाँ से ये सी जो है इसका मेम्बर बन जाएगा फॉर दी नेक्स्ट टू ईयर्स इसके बाद हम देखते हैं दट ग्रे लिस्ट को लेकर अभी चर्चा हुई इसका अपडेशन हुआ ग्रे लिस्ट सुनते ही आपको ये चीज़ ध्यान में आ जानी चाहिए कि एफ से रिलेटेड बात हो रही है एफ एफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है तो इन्होंने अपडेट किया है कंट्रीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो कुछ कंट्रीज़ को रिमूव किया है और कुछ को फिर से इन्होंने ऐड किया है तो इसमें देखते हैं कि जो केमन आइलैंड्स है पनामा है जोर्डन है एंड अल्बानिया है इनको एफ ग्रे लिस्ट से इन्होंने क्या किया है रिमूव कर दिया है अब ये नो मोर इन दी ग्रे लिस्ट ग्रे लिस्ट को अगर आप देखें ऑफिशियली ये क्या बोलते हैं क्योंकि ग्रे लिस्ट तो एक मीडिया uh, टर्म्स है क्रिएट की गई है ऑफिशियली इनको बोला जाता है जूरिस्ट्रिक्शंस अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग ओके तो अगर ये टर्म देखे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है बिकॉज ऑब्वियसली ग्रे लिस्ट तो सबके ध्यान में होती है पर इसकी जगह ये यूज कर लिया जाए तो काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है ठीक है जबकि इस लिस्ट में बुल्गारिया को इन्होंने ऐड कर लिया है ठीक है तो ग्रे लिस्ट का हमें यह भी पता होना चाहिए पाकिस्तान जो है वो मोर देन वन ईयर इसका पार्ट रहा था लेकिन उसको अब इसमें से रिमूव कर दिया गया है ठीक है और इनकी इससे ऊपर की भी एक आ, लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट उसमें अभी आई थिंक थ्री कंट्रीज है जिनमें ईरान तो है ही है और एक नॉर्थ कोरिया है थर्ड वन आई विल रिकन्फर्म कि वो कौन सा कंट्री है पर ये दो आपको पता होनी चाहिए ठीक है थीके? इसके बाद हम और इनका पर्पज़ क्या है एफ का इन लिस्ट में लेने का क्योंकि एफ का मेन जो मकसद ही था वो मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करना था और साथ ही साथ टेरर फाइनेंसिंग को रोकना था ठीक है तो जिन कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें ईजिली हो जाती हैं या वहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और इवन जो स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अगर सपोर्ट करती है तो उनको फिर पर्टिकुलरली या तो ग्रे लिस्ट में रखा जाता है या फिर उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है ठीक है तो ब्लैक लिस्ट हाइएस्ट वो हो जाता है इसमें कि इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दैट साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे ठीक है फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम और पता होना चाहिए किस कंट्री में ये स्टार्ट होने जा रही है तो ये इंडोनेशिया में होने जा रही है उनके प्रेसिडेंट जो वो जोको विडोडो हैं उन्होंने ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट कर दिया है और ये इनकी जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसको बोला गया इन्होंने वोश करके हाई स्पीड रेलवे और ये चाइना का जो बी है उसके आ, अंडर ही इसको डेवलप किया जा रहा है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इसको चाइना जो है वो फंड भी करेगा और साथ ही साथ जो है इसमें टेक्निकल जो हेल्प होगी वो भी चाइना प्रोवाइड कराएगा चाइना की कंपनीज ही इसको तैयार करेंगी और जो दो सिटीज़ जो इसमें ज्वाइन होंगी वो हैं जकार्दा और बांडुंग के बीच में ये बनने जा रही है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम दैट जो अंबेडकर की टालेस्ट स्टेचू है आउटसाइड इंडिया ओके ये पता रहे आपको वो अभी अनविल्ड हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में और इसको इन्होंने बोला है स्टेचू ऑफ इक्वालिटी ठीक है और ये लोकेशन कौन सी है मारीलैंड सब अर्ब इन वॉशिंगटन ओके ये आपको पता हो और इसके स्कल्पचर या आर्टिस्ट कौन है तो वो है राम सुतार ऑलरेडी एक रिनोवड आर्टिस्ट हैं ये इन्होंने स्टैचू ऑफ सरदार पटेल जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी इन्होंने ही बनाई थी ठीक है इसके बाद हमने ये भी समझ लेना है कि बी बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता हो हमें कि 1891 में इनका बॉर्न है उसके बाद इनको बाबा साहब के नाम से ये पॉपुलर हुए और ये चेयरमैन हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के ठीक है और इसी वजह से इन्हें मोनिकर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया ठीक है और 1956 में जो है इनका डिमाइज होता है और डिमाइज के कुछ नाइन टेन मंथ्स पहले ही इन्होंने जो है बुद्धिज़्म को जो है बुद्धिज़्म इन्होंने जो है हिंदुज़म से ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए और वो होता है अक्टूबर 14 1955 ठीक है नाइनटीन में ये होता है ठीक है तो अक्टूबर फोरटीन जो है इसी पर्टिकुलर डे में जो है इस स्टैचू का जो है इनोग्रेशन होता है और दूसरी चीज़ अक्टूबर 14 को जो है धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी जो अम्बे अम्बेडकर वो इसको सेलिब्रेट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द युगांडा एयरलाइंस जो है वो रिकनेक्ट हो गई है इंडिया के साथ ठीक है और इसके साथ अब यहाँ पर नॉन स्टॉप एयर सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी जो कि आफ्टर इवन मोर देन फिफ्टी ईयर्स जो है ये चीज़ें फिर से कंटिन्यू हुई हैं तो एक तो ये पता हो कि युगांडा कंट्री के साथ हुई है दूसरी चीज़ ये क्यों न्यूज़ में था क्योंकि नाम की जो सबमिट हुई है इस बार की वो युगांडा में हुई है और एस जयशंकर उसको रिप्रेजेंट करने गए हुए थे है वहाँ पर ठीक है नॉन अलाइंट मोमेंट की जो समिट होती है वो इस बार युगांडा में हुई है और जो पहली फ्लाइट है वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल से जो है ये कनेक्ट हुई है और आप अगर युगांडा के एयरपोर्ट का पता होना भी जरूरी है तो इसमें देखते हैं एंटेबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो ये है कि बांग्लादेश को जो अपना पहला शिपमेंट मिला है यूरेनियम का वो रसिया से मिला है ठीक है तो ये पता होना चाहिए हमारे और कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इन्होंने ये मंगवाया है दैट इज़ रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक है तो इसमें एक्चुअली में इंडिया भी पार्टनर है रसिया इंडिया और बांग्लादेश तीनों मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद हम देखते हैं स्टोम पेट्रल ये टर्म न्यूज़ में थी किसके लिए यूज़ होती है तो ये रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी अभी, अभी अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है ऑफ न्यू न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल उसी को इन्होंने बोला है वेस्टनिक ओके तो ये रशियन में इसका नाम है जो है वो ब्यूर वेस्टनिक है पर इसको मिसाइल को पॉपुलरली बोला है इन्होंने स्टॉम पेट्रल ओके तो ये आपको पता हो इसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स में हम देखते हैं लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल वहां से भी एक हिंदू टेम्पल की खबर है और वो रॉबिन्स विले न्यू जर्सी में है ठीक है ये भी बी ए पी एस स्वामीनारायण अक्षरधाम जो है उन्हीं की तरफ से एस्टेब्लिश किया गया है वहां पर इसके बाद देखते हैं हम आयरन बीम तो जो भी आयरन रिलेटेड टर्म्स के आती हैं चीजें तो सीधा समझ जाइए आप इसराइल से लेकर बातचीत हो रही है ये एक लेजर बेस्ड क्या है मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनका आयरन बीम ऑलरेडी हमने देखा इनका आयरन डोम है आयरन बीम ये हो गया आयरन स्टील करके इनका यूज होने वाला जो बॉम्ब है वो है और कल हमने आयरन स्टिंग करके भी देखा था वो इसका अपग्रेडेड वर्जन है ठीक है तो अब आयरन बीम करके भी एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो लेजर बेस्ड होगा एक्चुअल में तो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज के साथ ये नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम के लिए पर उनमें आयरन टर्म वो रेगुलरली अभी भी यूज कर रहे हैं ठीक है और साथ में इनके पास और भी जो चीज़ें हैं देखिए आयरन डोम की हमने बात की थी इसके बाद हम देखते हैं डेविड्स स्लिंग ये भी इनका डिफेंस सिस्टम है एरो थ्री और एरो टू ये इनिशियली सबसे पहले लेकर आए थे उसके बाद ये था और उसके बाद ये अपग्रेड किया गया था तो ये सब पता होना चाहिए उसके बाद देखते हैं वियतनाम में भी अभी एस जयशंकर की विजिट हुई थी लास्ट ईयर ठीक है और वियतनाम में इन्होंने मेंशन किया था कि हाँ हम आ, गांधी और जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं इनको हमारी कंट्री में भी जो है अडॉप्ट किया जाता है और इनको कंसिडर किया जाता है उसके बाद हम देखते हैं दैट जापान ने टेस्ट किया है मीडियम कैलिवर मैरिटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिंग रेलगन कल भी मैंने इस न्यूज़ के बारे में बात की थी कि रेलगन होता क्या है जापान फर्स्ट कंट्री बन गया है ऐसा करने वाला ठीक है ये साइंस एंड टेक में मैंने डिस्कस किया था इसके बाद हम देखते हैं दैट वेविंग वीज़ा फ़ीस फॉर टूरिस्ट बाई श्रीलंका ठीक है तो ये पता रहे और इसमें सेवन कंट्रीज़ के साथ ये किया है कि वहाँ के टूरिस्ट जो है बिना किसी वीज़ा फ़ीस के हमारे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और उसमें इंडियन विजिट जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी अलाउ किया है क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है पिछले दो साल से और इस वजह से वहाँ की टूरिज्म जो एक्टिविटीज़ है वो तो काफ़ी कम हो गई थी आफ्टर दी कोविड तो वो फिर से इनको रिवाइव करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं इसके बाद देखते हैं दैट जो तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट न्यूट्रीनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है वो कहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन इसका हो रहा है तो वो पता रहे आपको चाइना की तरफ से किया जा रहा है वेस्टर्न पेसिफिक ओशीन एरिया में ठीक है थीके? और पर्पज़ क्या है इस फैसिलिटी का टू डिटेक्ट द इलूजिव पार्टिकल्स नॉन एज घोस्ट पार्टिकल्स और द न्यूट्रीनोज इनके बारे में काफ़ी न्यूज चलती रहती है तो न्यूट्रीनोज को ही घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है एक साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन हो जाता है तो इस कंटेक्स्ट में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ठीक है कि घोस्ट पार्टिकल के कंटेक्स्ट में कौन से व, व, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज घोस्ट पार्टिकल उसमें हो सकता है न्यूट्रीनो किसी व, एक में ऑप्शन दिया हो बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन ऐसा कन्फ्यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोन ऐसा करके आपको चीज़ें दी जा सकती है ठीक है वो आपको पता होना चाहिए और ये वर्ल्ड uh, की लार्जेस्ट क्या होगी न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप होगा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम दैट सीवियर डेमोग्राफिक क्राइसिस इन इटली ठीक है तो चाइना का भी लेटेस्ट देखा था इटली में भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहा है ठीक है ये डेमोग्राफिक क्राइसिस की प्रॉब्लम वहाँ पर भी है इसके बाद स्पॉन्ज बॉम्स जो थे वो न्यूज़ में थे ठीक है क्यों थे तो ये एक्चुअल में जो इसराइल हमास वाला जो कन्फ्लिक्ट था वहाँ से ये न्यूज़ में थे कि कहना था इन लोगों का कि इसराइल ने हम पर जो है इस्पॉन्ज बॉम्ब जो है वो इनका यूज किया है ठीक है तो एक्चुअल में ये आ, कहा जाता है कि ये स्पेसिफिक बॉम्ब्स हैं जो गाजा में वहाँ की जो अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं उनके नेटवर्क्स को जो ब्रेक करने के लिए जो है इन बॉम्ब्स को यूज किया जाता है ठीक है तो ये आपको आइडिया हो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दैट नॉर्वे इज सपोर्टिंग दी हंगर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड इंपॉर्टेंट न्यूज है तो हंगर प्रोजेक्ट किस आ, कंट्री के साथ मिलकर इंडिया ने आ, चालू किया है उत्तराखंड में तो ये पता होना चाहिए वो नॉर्वे के साथ किया है ठीक है और ये थ्री ईयर ड्यूरेशन के लिए चलेगा इसका बजट भी इन्होंने बताया फोर्टी फोर पॉइंट पॉइंट सेवन मिलियन रुपीज़ इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आईआईटी दिल्ली में एक खादी इंडिया आउटलेट करके जो है वो खादी इंडिया का आउटलेट यहाँ पर ओपन हुआ है ठीक है और ये इनोग्रेशन किसने की है के वी आई सी दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ओके इसका हेडकवाटर अगर आपको पता नहीं है तो ये ध्यान रखिए मुंबई में इसका हेडक्वाटर है ना कि दिल्ली में है ठीक है और इसके साथ हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे काफ़ी और बोर्ड्स हैं लाइक स्पाइसेस बोर्ड है टी like बोर्ड है कॉफ़ी बोर्ड है ऐसे ही हमने टर्मरिक बोर्ड भी अब जाकर बनाने को तैयार है और ध्यान रहे ये सारे के सारे बोर्ड्स हैं ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए हैं इन पर्टिकुलर एरियाज में इनके ट्रेड को इनके एक्सपोर्ट्स को इन सब को प्रमोट करने के लिए तो इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं ना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये इसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं होना है ऑलरेडी यू ने भी ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा था यू ने ट्वेंटी एटीन में ये क्वेश्चन रखा था ठीक है तो यहाँ भी आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए इसको ध्यान में रखना है तो ये टर्मरिक बोर्ड जो होगा ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही जो है एस्टाब्लिश किया जाएगा फिलहाल इसके हेडक्वाटर के बारे में कोई चर्चा है नहीं लेकिन अगर टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड के हेडक्वाटर की बात करें तो टी बोर्ड आपको देखने को मिलेगा ये कोलकाता में है और ये बेंगलोर में है ठीक है ये भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है ठीक है और स्पाइसेस uh, बोर्ड की आप बात करेंगे तो ये केरला में है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं टर्मरिक के कंटेक्ट में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमको पता होनी थी होनी चाहिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ओके अराउंड 62 परसेंट ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड जो टर्मरिक का होता है वो इंडिया अकेला देखता है ठीक है और अगर हमारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में देखें तो महाराष्ट्र तेलंगाना और कर्नाटका टॉप करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखते हैं दैट इनागोरल सेरेमनी हुई है फॉर एस फॉर पेसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ये कहाँ पर हुई है ये न्यू uh, डेली में ही हुई है इसका पता हो और हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ की गई है ठीक है तो इसको शॉर्ट में पाटा भी बोलते हैं पाटा ट्रेवल मार्ट ओके तो ये आप प्रगति मैदान पर जो हमारा नया इनो जो मैग्निफिशेंट एक नई हमने फैसिलिटीज डेवलप की थी अभी जी ट्वेंटी से पहले दैट आई और द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर वहाँ पर ये हुआ है उसके बाद हम देखते हैं कि जो तुर्कि रिपब्लिक है उन्होंने अपनी हंड्रेड एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है जो एक तरह से समझ सकते हैं कि नाइनटीन से या ट्वेंटी से ये क्या हुए थे ओटोमन एम्पायर से फ्री हो गए तो टर्मिनमन एम्पायर का जब कलेप्स होता है वहाँ पर तो उसके बाद से जो है यहाँ पर एक तरह से डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क आया और उसके अंडर जो है यहाँ की गवर्नेंस रन होने लगी थी तो ये इस कंटेक्सट में इंस्तानबुल में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दट एम जो है वो किस कंटेक्सट में हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए और ये दो कंट्रीज़ इंडिया और सऊदी अरेबिया में हुआ है ठीक है और इसका पर्पज़ अभी पहली चीज़ तो ये जो मैना क्लाइमेट वीक 2023 था ये इसकी सेकेंड जो मीटिंग थी वो यहाँ पर हुई थी सऊदी अरेबिया में बाकी हम लास्ट न्यूज़ में देखेंगे कि और 2023 की टोटल चार मीटिंग्स थी वो कहाँ कहाँ हुई थी ठीक है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इट वॉज हैपन जस्ट बिफोर दी कोप ट्वेंटी जो कोप मीटिंग हुई थी लेटेस्ट uh, यूएई में उससे जस्ट पहले हुआ था ठीक है उसके आगे हम देखते हैं होप ट्वेंटी एट जो अभी हुआ था ये भी पता होना चाहिए और ट्वेंटी नाइन किस कंट्री में होने वाला है ये भी हमें आइडिया होना चाहिए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह थे वो यहाँ पर विजिट पर थे और उनके साथ में ये फॉर्मलाइज हुई है नेक्स्ट देखते हैं दैट जो यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के जो प्रेसिडेंट uh, हैं वो इंडिया की स्टेट विजिट पर थे ठीक है तो ख़ास बात क्यों है कि इस न्यूज़ को हम क्यों इतना देख रहे हैं विजिट तो काफ़ी स्टेट विजिट्स होती हैं एक्चुअली क्या है यहाँ की जो प्रेसिडेंट है तंजानिया की समिया सुलूहू हसन वो यहाँ पर स्टेट विजिट पर थी और इसी दौरान जो क्या हुआ कि हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो जे एन यू डेली है उनकी तरफ से इन्होंने जो है पी एच डी की डिग्रिया ऑनरेरी डॉक्टोरेट की जो है वो इनको कन्फर्म की गई है और इसके साथ ही क्या है ये फर्स्ट वुमन बन जाती हैं टू तो बी बेस्टोर्ड विथ दिस ऑनर फॉर हर पिवोटल रोल इन सी एंड अची रीजनल इंटीग्रेशन एंड मल्टीलिटर तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दट उत्तराखंड का जो चीफ मिनिस्टर है उनकी लेटेस्ट विजिट हुई है अभी यूके में ठीक है ये पता हो और किस कंटेक्स में हुई पहली चीज तो पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर हैं ये पता हो आपको और यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके इनविटेशन पर ये वहाँ पर गए थे साथ ही साथ वहाँ के इंडस्ट्र, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी इनकी मीटिंग हुई और ये इनवाइट करने गए थे कि अपने यहाँ उत्तराखंड में इन्होंने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में करवाई थी उसके लिए देहरादून में इन्होंने ये करवाई थी उसके इसमें इनको इन्वाइट करने के लिए यहाँ पर गए हुए थे ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजनाथ सिंह की भी रिसेंट विजिट हुई थी इटली और फ्रांस में ठीक है तो ये यूरोप की विजिट पर थे इन दो कंट्रीज़ पर और यहाँ पर इन्होंने कुछ एम भी साइन किए थे रोम इटली में और साथ ही साथ पेरिस में इनकी विजिट रही और राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जो है फिफ्थ एनुअल डिफेंस डायलॉग भी जो है फ्रेंच मिनिस्टर के साथ जो है वो कंडक्ट किया था ठीक है ये भी आपको पता हो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एम जो ध्यान में आता है वो है वाडा और डब्ल्यू के बीच तो वाडा जो है हमारी वो एंटी डोपिंग एजेंसी है वर्ल्ड की ठीक है डब्लू एच ओ आपको हेल्थ रिलेटेड है तो इनका फोर ईयर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ताकि ये क्या करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और ग्लोबल लेवल पर जो है बाकी कंसर्न uh, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ जो है ये डोपिंग वाली इश्यूज से वो बच सकें तो इसमें ये भी पता हो आपको वाडा के जो प्रेसिडेंट है वो हैं विटोल्ड बंका और डब्ल्यू एच ओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है टेड्रोस गेब्रेसस ओके तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए एम ओ यू जो साइन हुआ था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था जो कि डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर है इसके साथ हम देखते हैं कि जो ए आई बी डी का जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसके प्रेसिडेंट के तौर पर इंडिया फिर से री इलेक्टेड हो गया है अपनी नेक्स्ट थर्ड टर्म के लिए ए आई बी डी जो है वो आप देखेंगे एशिया पैसिफिक जो इंस्टीट्यूट है फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट ठीक है तो ये एशिया पैसिफिक रीजन को लेकर चर्चा होती है और इसमें इंडिया जो है काफ़ी डोमिनेट पोजीशन में रहता है और इससे पहले इंडिया ने 2018 2021 में भी रखा उसके बाद 21 23 में भी रखा तो ये कंसिस्टेंटली हम जो है थर्ड टर्म पर आए हैं और इसमें हमारा जो दूरदर्शन के जो डायरेक्टर जनरल है मयंक कुमार अग्रवाल वो इसके प्रेसिडेंट होंगे इसके बाद देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशनस की तरफ से क्या है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक हाई लेवल कमेटी उन्होंने या एडवाइजरी बोर्ड करके उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट किया है और ये थर्टी नाइन मेम्बर का टोटल होगा उसमें तीन मेम्बर्स जो हैं वो इंडिया से इन्होंने रखे हैं ठीक है थीके? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ओबियसली यू के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैं उन्होंने अभी ये नेम्स जो हैं वो सबके सामने रिवील करे हैं कि ये जो थर्टी नाइन मेम्बर का जो हम हाई लेवल मल्टी स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी बनाने जा रहे हैं उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूयॉर्क में इसके मेंबर्स जो हैं उनमें कौन कौन होंगे तो उस लिस्ट में हमने देखा है कि थ्री इंडियन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं एक अमनदीप सिंह गिल हैं और एक नजनीन रजनी हैं और साथ ही साथ एक हैं शरद शर्मा ये इसमें इसके पार्ट होंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो देखते हैं दैट ग्लोबल मेरी इंडिया समिट ट्वेंटी ये कहाँ पर हुई तो इसको वर्चुअली तो इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने ठीक है और ये मैरीटाइम uh, इश्यूज़ uh, पर जो है डिस्कशन होता है जिसमें इंडिया uh, बाकी इंडियन ओशियन रीजन के कंट्रीज को इनवाइट करता है और ये एक तरह से हम देखें कि एनुअल मीट होती है तो इस बार ये मुंबई में हुई है ठीक है और इसी के दौरान जो है इसी इवेंट में प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनवील किया था दैट अमृत काल विजन ट्वेंटी फोर्टी सेवन दैट इज द ब्लू प्रिंट फॉर इंडियन मेरी टाइम ब्लू इकोनॉमी ठीक है तो हम ट्वेंटी फोर्टी सेवन को लेकर क्यों चल रहे हैं बिकॉज हम आ, एम कर रही है गवर्नमेंट टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री बाई ट्वेंटी ट्वेंटी ओके उसके बाद जो सेवनटी एट्थ सेशन जो है यू जनरल असेंबली का वो सेप्टेम्बर में हुआ ठीक है और ये न्यूयॉर्क जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है वहीं पर हुआ था और इसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड के सभी टॉप लीडर्स हेड ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट फॉरन मिनिस्टर ये सब आए थे और उनका आपस में डिस्कशन हुआ था ये एनुअल हाई लेवल वीक इसको बोला जाता है तो इसको एक तरह से ओस्करस ऑफ डिप्लोमेसी भी बोला जाता है ठीक है ये आपको पता हो इसके बाद देखते हैं अंदर थर्ड ट्वेंटी थर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द इंडियन ओसिन रिम एसोसिएशन ठीक है तो इंडियन ओशीन रिम एसोसिएशन है ये इंडियन uh, ओसिन की जो कंट्रीज होंगी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग होती है और पता रहे इसमें uh, पाकिस्तान पार्टनर uh, नहीं है पहली चीज साथ में इसकी अभी चेयरमैनशिप किसको मिली है ये श्रीलंका को मिली है फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और इससे पहले जो मेंबरशिप इन सॉरी जो जो चेयरमैनशिप है वो किससे ली है इन्होंने तो इससे पहले बांग्लादेश इसके चेयरमैन था और श्रीलंका के बाद जो चेयरमैन होने जाएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी तक वो इंडिया बनेगा ठीक है ये आपको पता हो और इन्होंने इसके दौरान जो अडॉप्ट किया एक तो कोलंबो कम्युनिक और साथ ही साथ इंडिया ने जो श्रीलंका के साथ आई ओ आर ए पहले इसको देख लेते हैं कि आई ओ आर ए विजन ट्वेंटी थर्टी और बियॉन्ड ये आया था उसके बाद इंडिया ने श्रीलंका के साथ क्या किया सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने अपना एक लोगो लॉन्च किया है तो इस कंटेक्स्ट में न्यूज आ सकती है कि हमने किस कंट्री के साथ ऐसा लोगो अभी अभी लेटेस्ट में सेलिब्रेट किया है ऑन दी कंप्लीटिंग सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइम थीम क्या रही वो पता होनी चाहिए क्योंकि इन एग्जाम्स में थीम्स भी पूछ ली जाती है रीजनल आर्किटेक्चर री इंडियन ओसिन आइडेंटिटी ओके तो ये ध्यान में रखनी है इसके बाद देखते हैं दैट जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग कहां पर हुई ठीक है तो इस बारे में हम देखते हैं कि जो फोर्थ और तो लास्ट जो जी ट्वेंटी के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो गैदरिंग हुई थी वो माराकेश मोरक्को में हुई थी ठीक है और ये मीटिंग एक तरह से यहाँ पर जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो एनुअल मीट होती है उसके साथ कोइंसाइड कोइंसाइडेड हुई थी यानी कि सेम लोकेशन पर ये मीटिंग हुई थी ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि यू का फर्स्ट डेटा बोर्ड आया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डाइजर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो है मोर देन थर्टी मिलियन हेक्टर हेल्दी लैंड है उसको जो है वो डिग्रेड हो गई है ठीक है और अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये बताते हैं कि 2015-2019 के बीच के सेम पीरियड में जो है वर्ल्ड ने एटलीस्ट 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ हेल्दी लैंड या प्रोडक्टिव लैंड है उसको लॉस्ट कर दिया है यानी कि सिमिलर जो इतना अगर आप देखते हैं कि मोर देन हंड्रेड मिलियन हेक्टेयर की लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई है वो फर्टाइल नहीं रही है और इसलिए ये एक बड़ा ही कंसर्न देखा जाएगा ठीक है तो यू एन के एक तरह से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका डेटा काफ़ी सीरियसली लिया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनने की पूरी संभावना है तो इंडिया के कंटेक्सट में ये पता रहे कि जो इंडिया का लैंड मार्क्स जो अभी डिग्रेडेटेड बताया है इन्होंने ट्वेंटी के एंड में वो 9.45 परसेंट ऑफ टोटल एरिया बताया है जो कि पहले 2015 में 4.42 परसेंट ही हुआ करता था तो ये एक बड़ा ही कंसर्न है तो ये फैक्ट्स आपको पता हो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दैट एट वंडर ऑफ वर्ल्ड पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से ठीक है किसको रिकॉग्नाइज किया गया है दैट इज अंगकोर ठीक है इन अंगोडिया तो कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है एक तरह का ठीक है तो ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स तो है पर आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि एक्सक्लूजिवली बुद्धिस्ट या हिंदू नहीं दोनों की दोनों चीजें इसमें देखने को मिलती हैं ठीक है और इसके साथ कन्फ्यूज करने के लिए ये आपको दे सकता है कि जैनीज का तो वो इसमें नहीं है ठीक है और इसकी जो कंपटीशन थी वो इटली के पोम्पी के साथ थी पर फिलहाल ये विनर है और ये डिजाइन कब तैयार हुई थी इसको हम देख लेते हैं ट्वेल्थ सेंचुरी के जो किंग हुए करते थे सूर्य वर्मन सेकेंड उन्होंने इसको तैयार करवाया था और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है जो 1992 से इस लिस्ट में जो है इंक्लूडेड है इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखते हैं दैट न्यू ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम्स ठीक है तो ये डब्ल्यू की तरफ से अनविल किया गया है कि आपको क्लाइमेट रेजिलियट और लो कार्बन हेल्थ सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए है, जो है अपनी चीज़ें देखनी है और इसी कंटेक्सट में जो है न्यू ऑपरेशनल फ्रेमवर्क इनकी तरफ से लेकर आए हैं और मेन पर्पज वो यही है टू एनहांस हेल्थ सिस्टम रेजिलियंस ओके वाइल रेड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू हेल्प सेफ गार्ड दी हेल्थ कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ओके इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दट ट्रिटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप ये क्यों न्यूज में थी इस बार क्योंकि रसिया जो है वो फॉर्मली विड्रॉ कर गया इससे तो जो आ, स, न, कुछ सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ में इनकी ट्रीटी हुआ करती थी और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट माना जाता था पर लेटेस्ट में अभी इन्फॉर्मेशन यही है कि रसिया जो है यहाँ से बाहर हो गया है और रसिया ने कहा है कि जो नाटो है या जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ईस्ट वर्ल्ड एक्सपांसन हो रहा है आप यूक्रेन को भी इसमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप फिनलैंड को ऑलरेडी इसका पार्ट बना चुके हैं और स्वीडन को भी अंडर प्रोसेस है तो रसिया ने बोला कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है और इसलिए इन्होंने जो है मैं इस ट्रिटी से बाहर जा रहा हूँ और साथ ही साथ जो है वार्स ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे भी जो है ये बाहर हो जाते हैं साथ में हम देखते हैं दैट जो फर्स्ट कंट्री टू फुली स्टेलाइज एंटायर स्ट्रीट ऑफ पॉपुलेशन तो कंप्लीट एक वन लाइनर है दैट इज भूटान ओके नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इंडिया की जो फर्स्ट हंड्रेड जस्ट सेकेंड इंडिया की जो फर्स्ट हंड्रेड परसेंट जो एफडीआई की अगर हम देखते हैं हंड्रेड परसेंट एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर तो ये कौन सी पहली कंपनी बनी है जिसको हमने अलाउ किया है तो ये स्वीडन की एक डिफेंस कंपनी है साब ए बी इम्पोर्टेंट ये काफ़ी न्यूज़ में रही है इसने जो है काफ़ी चीज़ें हमने इससे इम्पोर्ट की हैं इन पास्ट और अभी ये एक नई फैसिलिटी एस्टेबलिश करने जा रही है इंडिया में ताकि ये यहाँ पर किसकी मैनुफैक्चरिंग करें कार्ल गुस्ताफ एम फोर रॉकेट लॉन्चर्स जो इंडिया में ही बनाने होंगे ठीक है तो इसके लिए ये कंपनी 2022 में यहाँ पर रजिस्टर भी हो गई है और इसको 100 परसेंट एफ के थ्रू इसको अप्रूवल दे दी गई है इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं इन्फॉर्मेशन दैट इज़ वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइड सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है तो ये यूनाइटेड अरब एमायरेट्स की तरफ से ये किया गया है इसकी स्टेट ओन कंपनी मजदार है उन्होंने इसको इनोग्रेशन किया है ये अकेला पावर प्लांट जो है दो टू गीगा की पावर जो है वो यहाँ पर जनरेट करेगा ये आपको पता हो और ये अल दाफरा सोलर पीवी प्रोजेक्ट बोला गया है जो कि धाबी में होगा ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखते हैं दैट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन की अभी लेटेस्ट विजिट हुई श्रीलंका में ठीक है और यहाँ पर ये इन्होंने एक एड्रेस किया था नाम टू हंड्रेड या एन ए एम करके एक इवेंट हुआ था और ये क्यों हुआ था टू सेलिब्रेट द टू हंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ अराइवल ऑफ इंडिया ओरिजिन तमिल सिन टू श्रीलंका ठीक है तो इसलिए यह आपको पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट था साथ ही साथ इन्होंने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दो ब्रांचेज को भी यहाँ पर इनोग्रेट किया है तो आपको यह भी पता हो कि किस बैंक की ब्रांचेज है साथ में इन्होंने यहाँ पर जो एड्रेस किया इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट को इन कोलम्बो ठीक है और यहां पर एक एमओ यू भी इंडिया की तरफ से किया गया वो था फॉर सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेज इन श्रीलंका ठीक है तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता हो इसके साथ हम देखते हैं कि आ, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं और आ, साथ ही साथ ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल उन्होंने लेटेस्ट में क्या किया था कि नवंबर में ये यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट पर थे टू अटेंड दी आई पी एज वेल एज़ ए पी मिनिस्ट्रियल मीटिंग ओके तो इस कंटेक्सट में हमें ये पता होना चाहिए कि हम आई के मेम्बर तो नहीं हैं सॉरी आईपीएफ के मेंबर तो हम हैं लेकिन एपीसी के मेंबर नहीं है ठीक uh, है जो आईपीएफ पी मेंबर पार्टनर कंट्रीज़ हैं इसमें अलग अलग uh, इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं कि एक ट्रेड सेक्शन को देखते हैं कॉमर्स सेक्शन को इस तरह से तो एक सर्विसेज को देखता है ठीक है तो उसके त, चार पिलर्स हैं उनमें से हमने तीन को हमने ज्वाइन किया हुआ है ट्रेड वाले को हमने अवॉइड किया है उसको हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इसके अलावा तीनों पिलर्स को हमने ज्वाइन कर लिया है और ये देख सकते हैं इंडिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के नाम से है इसके हम मेंबर हैं और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है इसका इंडिया पार्टनर नहीं है पर इंडिया को जो है इसमें एज ए गेस्ट इकोनॉमी इनवाइट किया गया था ठीक है इसलिए हम आ, इसमें इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाए हमारे पीयूष गोयल जो है साथ में हमें यह भी पता हो कि जो एम ओ यू यहाँ पर साइन हुआ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में उसको बोला गया डिकोडिंग द इनोवेशन हैंडशेक यूएस इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप ये सैन फ्रांसिस्को यूएस में साइन हुआ है ठीक है और जो ये दोनों मीटिंग्स हैं ये भी सैन फ्रांसिस्को में ही हुई है ऑब्वियस सी बात है इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं दैट इज अ लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो फ्रांस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो साइन हुआ है तो हमारी ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ और पर्सनल और पब्लिक रिमांस एंड पेंशंस है उसके अंडर का जो डिपार्टमेंट है डी उसने वहाँ पर साइन किया है फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर्स इसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट है वो नीदरलैंड के साइन साथ साइन हुआ है फॉर कोऑपरेशन ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन ठीक है तो ये भी पता हो और इसके लिए हमारे यहाँ से जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं भगवंत खूबा वो खुद गए हुए थे यहाँ पर नीदरलैंड की विजिट पर तो वहाँ पर ये साइन हुआ है और वो यहाँ पर क्यों थे विजिट पर तो एक्चुअल में ही वॉज देयर टू पार्टिसिपेट इन दिस सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम डब्ल्यू एल पी एफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विच वर्ल्ड हेल्ड इन हैग नीदरलैंड ओके इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इटली के साथ भी एग्रीमेंट हुए टू बुस्ट द यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज तो यहाँ पर एस जयशंकर विजिट पर थे और इसमें हम देख सकते हैं कि जो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप है वो हमने इटली के साथ साइन की है ठीक है टू इनेबल सीमलेस मोमेंट ऑफ वर्कर्स स्टूडेंट एज वेल एज प्रोफेशनल्स और साथ ही साथ एक और एग्रीमेंट था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन कल्चरल कोऑपरेशन ठीक है ये दोनों पता हो इसके बाद देखते हैं दट एमओ यू जो है यूनाइटेड सॉरी यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है फॉर स्ट्रेंथनिंग सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन ओके तो इस कंटेक्सट में भी आपको पता होना चाहिए कि जो सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर हमने ईयू के साथ साइन किया है एम ओ यू और नेक्स्ट देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन और साथ ही साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ठीक है इन दोनों ने कोलाब्रेशन किया है टू क्रिएट ए न्यू स्टाम्प कलेक्शन ठीक है तो इसमें आ, आप देख सकते हैं कि इसकी जो इनोग्रेशन की है उन्होंने फर्स्ट जो स्टाम्प लेकर आए हैं वो है मेरी क्यूरी ठीक है उनकी वन ट्वेंटी बर्थ एनिवर्सरी थी उसके ऊपर जो है ये इन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है या पोस्टल एजेंसी है उसकी तरफ से ही रिलीज किया गया स्टाम्प और आगे भी जो है ये आई के साथ मिलकर और स्टर्म्स अलग अलग पर्सनालिटीज़ पर जो है ये इशू करेंगे इसके बाद हम देखते हैं दैट जो ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मेंट्री है उनके कंटेक्स में प्रोजेक्ट कोलाबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है वो किसके साथ हुआ है डब्ल्यू और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ हुआ है ठीक है तो ये पता हो कि प्रोजेक्ट कोलाबोरेशन एग्रीमेंट ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मेंट्री वाले स्पेयर में देखते हैं तो ये डब्लू के साथ हुआ है ठीक और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इसी के अंडर जो है डब्ल्यू क्या करेगा वो ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटजी ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंट थर्टी फोर की जो है वो प्रिपेयर करेगा ठीक है विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और जो फर्स्ट फेज होगा पी सी ए का वो होगा ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी एट तो नेक्स्ट फाइव ईयर के लिए इसका फर्स्ट फेज होगा बाकी बाद में देखेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि डब्ल्यू एच ओ ने लॉन्च किया है कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन ठीक है तो ये भी पता हो कि सोशल कनेक्शन पर जो कमीशन है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है पीरियड है ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सिक्स ठीक है और इसकी कोचेर जो होंगे वो हमारे यहाँ से डुक, सॉरी डॉक्टर विवेक मूर्ति होंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स के सर्जन जनरल हैं ठीक है और साथ में होंगे चिड़ो पेम्बा ओके जो कि यूथ एन होंगे अफ्रीकन यूनियन कमीशन के ठीक है तो तो ये दो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं देख, वर्ल्ड की जो फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेफ्टी समिट है वो कहाँ हुई बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा यूके गवर्नमेंट की तरफ से होस्ट की गई और ये एआई सेफ्टी समिट हुई एट ब्लेचले पार्क इन बकिंगम शायर यूके ठीक है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी इन्होंने इसी के साथ जो है लॉन्च कर दिया है यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ठीक है तो इस समिट में यहाँ पर ब्लेंचले डिक्लेरेशन हुआ उसको साइन भी किया यहाँ की पार्टिसिपेटिंग 28 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ठीक है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर इसी के साथ लॉन्च हो गया साथ में हम देखते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजनल रीजनल डायलॉग है आई पी आर डी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसका जो फिफ्थ एडिशन हुआ है वो इंडियन नेवी की तरफ से जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और इसकी जो थीम देखते हैं वो देखते हैं जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मेरी ट्रेड एंड कनेक्टिविटी ठीक है तो इसमें हम एम ओ यूज़ भी देखेंगे काफ़ी अगर चीज़ें देखें तो इसमें नेशनल मेरी फाउंडेशन है उसके आ, साथ में जो है एम ओ यूज हुए हैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां हो जाती है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनकर उनकी तरफ से भी एक बुक रिलीज हुई है दैट इज बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ठीक है तो यह पब्लिश भी एन एफ की तरफ से है साथ में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से रिलीज किया गया एक एडिटेड वॉल्यूम टाइटल मैरीटाइम परस्पेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी डायनामिक्स इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड ट्रेंड्स ओके नेक्स्ट देखते हैं दैट आसियान इंडिया मिलट समिट फेस्टिवल 2023 ओके तो ये कहाँ पर हुआ ये लोकेशन पता होना चाहिए आसियान इंडिया मिलट समिट तो आसियान कंट्रीज में ही किसी एक कंट्री में होना चाहिए ये तो कन्फर्म हो, हो गया हमें लेकिन वो कौन सी कंट्री है दैट इज इन इंडोनेशिया ठीक है तो इंडिया में भी हो सकता था पर इस बार ये इंडोनेशिया में हुआ ये आपको पता होना चाहिए और ये ऑलरेडी पता है कि ये किसका पार्ट है कि ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को हमने यू एन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स है उसी के अंडर जो है ये वहां पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था ठीक है फर्स्ट हम देखते हैं कि जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स है उसकी पहली जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है ठीक है इनोग्रेशन जो किया है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है ठीक है और इसमें एक और चीज देखने वाली हो जाती है कि जो फेज फोर हमारा चल रहा है ऑपरेशन शेषा करके जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफ इंडियन कस्टम्स की तरफ से होता है विथ आर आई एल ओ एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड और आर आई एल ओ मिडल ईस्ट वो काफ़ी इम्प्रेसिव है इस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अपने स्पीच इस में भी रखा है और इसका पर्पज़ क्या होता है टू कर्व द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सेंडर्स ओके तो रेड सेंडर्स है ये भी एक प्लांट्स या की ही कैटेगरी है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में न, मिलते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है स्मगलिंग हो रही थी ट्रेड में तो उसको रोकने के लिए भी जरूरी था इलीगल ट्रेड जो है उसके कंटेक्स में और ये ऑलरेडी यूपीएससी में तो इवन ये 2015 फिफ्टीन प्रिलियम्स में पूछा भी जा चुका है ठीक है कि रेड सेंडर्स न्यूज़ में थे वो क्या है तो एक्चुअल में प्लांट स्पेसी है और इनका इलीगल ट्रेड की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे इसके बाद देखते हैं कि जो थीम रखी गई इसकी वो थी इट टेक्स ए नेटवर्क टू फाइट ए नेटवर्क ओके और ये ऑर्गेनाइज किस तरफ से हुई अगर आप देखें कॉन्फ्रेंस को तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अंडर आ, इंडियन कस्टम्स एज वेल एज दी बी बो, आई सी बोर्ड ऑफ इंड टैक्सेज एंड कस्टम्स इन कंसल्टेशन विद द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रूसेल्स इन बेल्जियम ओके तो ये बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ये भी पता हो आपको इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दैट है 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 जो मेमोरियल डेडिकेट किया गया है इंडियन सोल्जर्स को वो कहाँ पर है तो ये अभी रिसेंट में ये हुआ है और ये जो हमारे 1971 में जो बांग्लादेश की लिब्रेशन वॉर हुई थी उसमें इंडियन आर्मी का जो रोल रहा था उसी के कंटेक्सट में बा -बा बांग्लादेश की तरफ से ये एक मेमोरियल जो है वो डेडिकेट किया गया है और वो कम्प्लीट हुआ है आशुगंज बांग्लादेश में ठीक है इसके बाद देखते हैं दट अलकासम ब्रिगेड्स तो ये क्या है ये क्यों न्यूज़ में है तो ये मिडल ईस्ट से न्यूज़ में है और ये एक आर्म्ड विंग है हमास की ही हमास जो पेलेस्टीन में वॉर करता है अभी इसराइल के साथ चल रहा है और ये इसका हेडकोार्टर जो देखा जाता है वो एक तरह से पेलेस्टीन में ही है तो इसी की आर्म्ड विंग जो है वो अलकासम ब्रिगेड्स है और ये करके आ रही है एक्चुअल में क्यों न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने रॉकेट रो, अटैक किए थे इसराइल का जो किरियात शोमना करके जो नॉर्दर्न टाउन है उसमें ठीक है साथ में वीज़ा फ्री एंट्रीज थाईलैंड ने भी अलाउ कर दी इंडियंस के लिए ठीक है क्योंकि उनकी भी टूरिज्म इंडस्ट्री अभी इतना ठीक से ग्रो नहीं कर रही है तो उन्होंने इंडिया और ताइवान के सिटीजन्स को वीज़ा फ्री एंट्रीज दे दी है फिर हम देखते हैं कि जो व्हाइट हाइड्रोजन है इसकी अनर्थिंग हुई है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हर किसी एग्जाम के लिए ठीक है तो इस कंटेक्स्ट में देख लेंगे वाइट हाइड्रोजन एक फिर से टर्म आई क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन ब्लैक हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन ये तो खूब जानते हैं हम खूब सुना है कि क्यों किस किस को बोला जाता है यू पी एस में ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी वहाँ पर हम ये सब मैंशन कर लेंगे पर यहाँ पर सिर्फ एक्चुअली ये पता लगा होना चाहिए कि वाइट हाइड्रोजन कहाँ पर इसकी बारे में न्यूज़ है तो ये देख सकते हैं कि जो फ्रांस के जो साइंटिस्ट हैं नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने कहा कि इनको काफ़ी सारी जो ये पता चली है सब्सटेंशियल हाइड्रोजन कंसनट्रेशन डीप अंडरग्राउंड ठीक है और ये लोकेशन जो है अलग अलग लोकेशंस में देखने को मिली है तो इस वजह से जो है अलग अलग लोकेशंस में अब साइंटिस्ट जो है एक्टिवेट हो गए हैं फिर फिलहाल जो है फ्रांस से ये न्यूज़ आई है कि अब जो है हम लाइक माली यूएस ईस्टर्न यूरोप रसिया ओमान इन सब जगह में जो है ऐसे रिसोर्सेज को जो है आइडेंटिफाई करने की एफर्ट्स करेंगे क्योंकि एक अच्छा खासा जो है अंडरग्राउंड हमें वाइट हाइड्रोजन मिल सकती है अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के जो लेटेस्ट मेंबर्स हैं वो कौन कौन है न्यूज़ में हालाँकि अलग देखने को मिलेगा चिल्ले नाइन्टी पर मिलेगा और हंगरी नाइन्टी पर उसको नहीं मानना वो इसलिए क्योंकि मैंने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से फैक्ट लिया है और वहाँ पर इन्होंने मैंशन किया हुआ है बाकायदा कि नाइन्टी फिफ्थ हंगरी है नाइन्टी चिल्ले है और नाइन्टी लेटेस्ट वन जो है वो यमन है ठीक है और इस बारे में आपको सभी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आई एस ए है क्या ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज़ें ली हैं कि इंडिया फ्रांस साथ में आए थे और उन्होंने ये जॉइंट एफर्ट्स के साथ इसकी इनोग्रेशन की थी कोप ट्वेंटी वन ट्वेंटी फिफ्टीन पेरिस क्लाइमेट जो मीट हुई थी यू एन एफ ट्रिपल सी की उसमें ठीक है और ट्वेंटी ट्वेंटी में इसमें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अमेंडमेंट करते हुए हमने क्या किया था कि यू एन के सभी मेम्बर्स को अलाउ कर दिया था कि वो इसको ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो एट प्रेजेंट जो है वन वन एट कंट्रीज़ हैं उन्होंने वो सिग्नेटरीज़ हैं और इनमें से टोटल 97 कंट्रीज हैं वो ऑफिशियली इसके मेंबर बन चुके हैं ठीक है एक टू हार्ड वन थाउजेंड स्ट्रेटेजी करके हैं वो भी आई की है ये भी इसी की स्ट्रेटेजी और इसका कंटेक्स क्या है कि हमें वन थाउजेंड बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज करना है बाई ट्वेंटी थर्टी टू डिलीवर दी एनर्जी एक्सेस टू वन थाउजेंड मिलियन पीपुल अराउंड द वर्ल्ड एंड टू बाई इंस्टॉलिंग दी वन थाउजेंड गीगावोट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी ठीक है और हेडक्वार्टर को ध्यान रखें गुरुग्राम हरियाणा में है ठीक है ये डेली के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है साथ में ये सैम्पल पेपर सी एस आई आर का है उसमें भी ये मैंशन थी ये न्यूज़ और ये आ, हमारे नोट्स में भी है तो ये अच्छी बात है कि जो हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरेशिया का वो क्ल्यू चेबस का या सोप का है तो वहाँ पूछा था कि ये किस कंट्री से ये न्यूज़ है तो एक्चुअल में ये न्यूज है वो रसिया से है ठीक है और वहाँ एक ऑप्शन में ये आंसर भी था वहाँ पर जो कम चटका पेनसूला है वहाँ पर यह देखा गया है उसके बाद नेक्स्ट है एम ट्वेंटी थ्री रिबेलियन ठीक है तो ये कहाँ से न्यूज़ है एक्चुअल में ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की न्यूज़ है वहाँ के ईस्टर्न प्रोविंस में जो कुछ कन्फ्लिक्ट हुए हैं वहाँ से ये रिबेलियन uh, यानी कि आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए कि डी से ये न्यूज़ है ठीक है उसके बाद हम ये देखते हैं कि आई मद्रास का जो मैंने अभी बताया था कि जो पहला इंटरनेशनल कैंपस है वो जानजीवर आइलैंड में है ईस्ट अफ्रीका में ठीक है तो ये आपको पता हो इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि जो भूटानीज़ किंग हैं वो रिसेंट में विज़िट किए हैं और ये फिर से वहाँ पर जो है इलेक्ट हो गए हैं और ये जिमगे केशर नामग्याल वांगचुक हैं ठीक है और इसमें इन इनके साथ जो हमारा मेन जो होता है डोकलाम ट्राई जंक्शन जो है जिसके कंटेक्स में चाइना इंडिया और भूटान की कंट्रीज़ एक साथ जो है इस जोग्राफ़ी के बॉर्डर पर आती हैं तो उसके कंटेक्स में इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इस वजह से पर्टिकुलरली इंडिया भूटान के कंटेक्स में न्यूज़ में रहता है ठीक है तो ये भी पता होना चाहिए साथ में हम देखते हैं डी इज़ पार्टनरिंग विद अडानी पोर्ट्स तो डी क्या है यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो अडानी पोर्ट्स के साथ मिलकर क्या कर रही है कि श्रीलंका में दोनों एक साथ मिल के वहाँ की पोर्ट डेवलपमेंट या पोर्ट ऑफ कोलंबो को जो है वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए ये काम करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ने कि लिस्ट ऑफ़ सेफ स्टेट्स तो ये किसकी कंट्री की तरफ से आती है वो जो एक डिफरेंट लिस्ट देखी थी रिलीजियस फ्रीडम वाली वो यूएसए से थी पर ये वाली कंफ्यूज नहीं होना ये यूनाइटेड किंगडम लेकर आता है और ये क्या करता है कि अभी कह रहा है कि हम इंडिया को भी इसमें इंक्लूड करने का सोच रहे हैं और ये लिस्ट ऑफ़ सेफ़ स्टेट्स का मतलब क्या होता है ये काफ़ी स्ट्रिक्टर लिस्ट होती है जिसमें आप जो है इलीगल इमिग्रेशन जो यूनाइटेड किंगडम में होता है उसको रोकने के कंटेक्सट में ये होती है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि जॉइंट अरब इस्लामिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हुई है ठीक है तो ये कहाँ पर हुई है रियाद सऊदी अरेबिया में हुई है ठीक है तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और एक्चुअली इसका पर्पज़ जो था वो यही था कि जो इसराइल हमास वॉर जो हो रहा है उसको ऊपर डिस्कस किया जाए और उसको कैसे भी करके उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है रोका जाए इसी कंटेक्स में बातचीत हो रही थी वहाँ पर इसके बाद एस जयशंकर यूके की विजिट पर भी थे रिसेंट में ठीक है कोई खास एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज़ इसमें नहीं रहेगी उसके बाद हमारी इमरजेंसी किस कंट्री में डिक्लेयर की गई है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर इन आइसलैंड वाई ड्यू टू सिस्मिक एक्टिविटीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ठीक है जैसा अभी सिंपल क्वेश्चन हमने देखा सिमिलरली क्वेश्चन आएंगे तो ये ध्यान में रखना है कि सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से किस कंट्री में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई दैट इज़ आइसलैंड और यहाँ पर वॉलिक इरप्शन वाली जो है वो लाइवलीहुड को देखते हुए ये सब किया गया साइक्लोन मेधिली कहाँ से रिलेटेड है

इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव ऑफ यमन जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से बैक किए जाते हैं तो एक्चुअल में सऊद ईरान और सऊदी अरेबिया की ईगो फाइट के चक्कर में ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर इसलिए यमन में इतनी ज़्यादा जो है आप अनस्टेबिलिटी देख पाते हैं ठीक है और इसी इनस्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स में क्या हो जाता है वहाँ पर कि अब ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि ये जब आप इसराइल वॉर अगर फलस्टीन में देखते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो है ये अपना प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो ट्रेड शिप्स जो आती हैं उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने तो ये पहली गैलेक्सी लीडर जी शिप थी वो एक्चुअल में तुर्की से इंडिया आ रही थी ठीक है और उसी दौरान जो है इस पर इन्होंने अटैक किया उसके बाद हम देखते हैं कि जो फिल्म बाज़ार है वो इनोग्रेट किया गया अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा तो ये है क्या एक्चुअल में तो ये फिल्म बाजार जो है वो साउथ एशियन फिल्म मार्केट का लार्जेस्ट माना जाता है और इसको गोवा के मैरियट रिजोर्ट में जो है इन्होंने लॉन्चिंग की है ठीक है तो एक्चुअली इट इज़ ए बसलिंग मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज हेवन फॉर फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स एंड स्टोरी टेलर्स फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड ठीक है तो इतना ध्यान रखना है गोवा आपको पता होना चाहिए और अनुराग ठाकुर ये दो फैक्ट आपको पता होने चाहिए उसके बाद हम देखते हैं कि जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है उसने अनाउंस कर दिया अपना परमानेंट क्लोजर इन न्यू डेली ठीक है तो ये भी लेटेस्ट न्यूज़ ही है तो ये आपको पता हो सेप्टेम्बर थर्टीज़ को जो है इन्होंने कह दिया कि अब से हमारी दिल्ली में जो एम्बेसी है उसका परमानेंट क्लोजर हो गया है हमारा यहाँ से अब कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो आई थिंक इनकी uh, हैदराबाद वाली जो एम्बेसी है वहाँ से ऑफिशियल uh, कम्युनिकेशन सब होंगे ऐसा न्यूज़ uh, में था उसके बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स uh, जो है वो 2022 में फॉरमोस्ट एड प्रोवाइडर रहा है ठीक है तो ऐसा जो ये फैक्ट है ये वेरीफाई किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ओ की तरफ से बताया गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो 2022 का फॉरमोस्ट एड प्रोवाइडर रहा है ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट हम देखते हैं दैट मलेशिया इज ऑफरिंग वीजा फ्री विजिट टू इंडिया तो मलेशिया ने भी ये चीज़ें सिमिलर इससे पहले हमने थाईलैंड देखा श्रीलंका देखा ठीक है फिर हम देखते हैं फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ एच वन एंड टू कहाँ पर देखने को मिला सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनाइटेड किंगडम ओके तो यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने डिस्क्लोज़ किया है कि हमारे यहाँ पर पहला ह्यूमन केस देखा गया एच वन एंड टू और दिग वायरस ठीक है तो इन जन नॉर्मल कंडीशंस में ये ट्रांसमिट नहीं होता है ह्यूमंस में पर एक्सेप्शनल कंडीशन में जो है ये ट्रांसमिट होने की संभावना रहती है उसके बाद हम देखते हैं दवे शर्मा ये क्यों न्यूज़ में थे तो ये क्या है कि एक इंडियन ओरिजिन के पॉलिटिशियन हैं इन्होंने अभी क्या किया है कि न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वहां के न्यू साउथ वेल्स लिबरल सीनेट रेस में जो है ये अच्छा खासा इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है और इस वजह से ये न्यूज में है ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जो 2019 में वहां पर गए थे ठीक है इसके बाद हम देखते हैं दैट न्यूजीलैंड ने फिर से एक बार जो है ये काफी न्यूज में रहा है कि पहले क्या किया था ट्वेंटी में इन्होंने क्या किया था कि ये वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया था क्यों बन गया था बिकॉज़ इन्होंने क्या किया था कि एक एक्ट एक लेकर आए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि जो इनक्रीज़ कर दी थी इन्होंने स्मोकिंग एज वाई क्यों इन्होंने कहा कि जो जनवरी 2019 के बाद जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं वो लीगली जो है उनको सिगरेट्स बाई नहीं कर सकते परचेज नहीं कर सकते और वो उनके लिए जो है इन्होंने बेन कर दिया था एक तरह से स्मोकिंग काफी एक्लेमेशन मिला था और काफी कुछ चीजें हुई थी पर अब जो है लेटेस्ट जो गवर्नमेंट है न्यूजीलैंड की उन्होंने इसी लोग को जो है अब स्क्रेप कर दिया है दी वर्ल्ड फर्स्ट स्मोकिंग जनरेशन मैन तो ये आपको पता होना चाहिए और स्पेशली यहाँ की जो मावरी कम्युनिटीज़ है उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है स्मोकिंग का तो बताया जा रहा था कि इनके लिए अच्छा होगा लेकिन ये फिलहाल फिर से इसको जो है न्यूजीलैंड ने इस लो को स्क्रैप कर दिया है तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन पर अच्छा खासा टैक्सेस जो है वो यहाँ के गवर्नमेंट चार्ज करती है तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है हमें टैक्सेस ज़्यादा चाहिए हालाँकि ये ठीक बात नहीं है अब एक और न्यूज ये देखते हैं कि एक और जो वोल्केनो अभी न्यूज में रहा वो था अनाक कराकाटू वोल्केनो जो रिसेंट में इरप्ट हुआ इंडोनेशिया की ये इंफॉर्मेशन है और यहां पर इसकी जो अगर लोकेशन देखें तो वो है सुन्ड्रा स्ट्रेट में ठीक है फिर हम देखते हैं कि आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम ठीक है इसका फोर्थ एनुअल एडिशन जो है वो कहाँ पर हुआ तो ये आप देखेंगे लंकावी मलेशिया में ठीक है फोर्थ एडिशन हुआ था इसका लंकावी मलेशिया इसके बाद देखते हैं नेपाल जो है वो पहला साउथ एशियन कंट्री बन गया है टू फॉर्मली रजिस्टर दी सेम सेक्स मैरिज ठीक है वन लाइनर है बस ये पता होना चाहिए कि कंट्री कौन सा है ठीक है तो ये नेपाल है उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया ने ज्वाइन किया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम ठीक है तो ये है क्या एक्चुअल में ये इलेवन कंट्रीज का एक फर्स्ट मूवर कंट्रीज भी बोला जाता है इनको इंक्लूडिंग इंडिया वो ज्वाइन कर गए हैं बीई कंसोर्टियम ठीक है जो कि ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल के द्वारा जो है उसके थ्रू ये लीड किया जा रहा है और ये एक्चुअल में है किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑफ द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट ठीक है तो बीई कंसोर्टियम कह रहा है कि हम अचीव करेंगे कंबाइंड कमिटमेंट ऑफ फाइव गीगावाट ऑफ बी ई एस एस बाई दू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो देखते हैं इसमें कितनी अचीवमेंट होती है आने वाले टाइम में जो टी आई डब्ल्यू बी है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ठीक है ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम इन इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सेंट लूसिया फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया इसका जो है पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इसको इंडिया को लिया गया है इसमें ठीक है तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किस किसके बीच में है यू और ओ के बीच में और इसने सेंट लूसिया में यह प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसमें जो है पर्पज यही है कि यहाँ का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेंडन हो और इंडिया को इसमें पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लिया गया है ठीक है फिर नेक्स्ट देखते हैं दैट देख नोमा एज ए ट्रॉपिकल डिजीज ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज किया नोमा को जिसको और भी क्या बोलते हैं हम कानक्रूम और दी गैंग ग्रीनस देंग्रीनस ओके तो ये नेग्लेटेड ट्रॉपिकल डिजीज के तौर पर जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इसी के साथ जो है अब डब्ल्यू एच ओ के पास जो है टोटल ट्वेंटी वन डिजीज या ग्रुप ऑफ डिजीज हो गई है जो एन टी डी में आ गई हैं ठीक है ये पता हो आपको और नेक्स्ट न्यूज है कि इंडियन ईयर ऑफ कैमिलिड्स ये ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को यू एन ने डिक्लेयर किया है ट्वेंटी थ्री जो मिलेट्स पर था ये कैमिलिड्स पर है ठीक है ये वन लाइनर है आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आई ओ यूएम ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट प्रयास ठीक है तो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसकी तरफ से ये प्रोजेक्ट प्रयास है दैट इज प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फ़ॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल और ये पार्टनरशिप किसके साथ है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फिर हम देखते हैं दैट गेलाफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट तो ये कहाँ पर है भूटान के किंग की तरफ से इसको अनाउंस किया गया है गैलाफू माइंडफुलनेस सिटी और ये हमारी भूटान और आसाम बॉर्डर है उसके नज़दीक में है तो ये आपको पता हो साथ ही साथ पहली बार इंडिया जो है भूटान में एक रेलवे लाइन भी बनाने जा रहा है अब ठीक है ये भी हमें पता होना चाहिए जो कि फर्स्ट इंडिया भूटान रेलवे लाइन होगी जो असम को के कोकराझार को भूटान के गैलाफू से ज्वाइन करेगी ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखते हैं दैट ए सी फैसिलिटी ने ज्वाइन किया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक है तो ए सी जी एसोसिएटेड कैप्सूल्स प्राइवेट लिमिटेड करके है ये एक फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है और ये एमपी के पीतमपुर में है ठीक है तो ये फोर्थ हमारा फैक्ट्री लाइट हाउस के तौर पर इसमें गया है इससे पहले जो तीन कंपनीज जिन्होंने लॉन्च इसमें ज्वाइन किया हुआ है वो है एक रिन्यू पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड रतलम एम में एज फैक्ट्री ला, आ, लाइट हाउस द सेकेंड इज सिनाइजर इलेक्ट्रिक इंडिया हैदराबाद तेलंगाना से ये सस्टेनेबिलिटी लाइट हाउस में और एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर सोनीपत हरियाणा की फैक्ट्री जो कि ई टू लाइट हाउस में ठीक है नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं दैट इंडिया बांग्लादेश एग्रीज टू एक्सटेंड द क्रूशियल आईबीपी रूट ठीक है ये इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है उसके कंटेक्स्ट में बात हुई है इसमें यह पता रहे कि न्यू पोर्ट ऑफ कॉल किसको को डिक्लेयर किया है हमने सफर दी गई वेस्ट बंगाल में ठीक है और साथ ही साथ हमने और क्या किया है यहाँ पर कि जो लैंड कस्टम स्टेशन हैं लैंड रूट के वो नए हमने यहाँ पर और डिक्लेयर किए हैं दैट इज राधिकापुर या बिरोल इन uh, जो सेम ये एरिया है इस स्टेशन को आप अगर बांग्लादेश में बिरोल बोलेंगे राधिकापुर वेस्ट बंगाल में होदीबारी या फिर चिलाहाटी ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं दैट अंगोला क्विड्स ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उससे अंगोला बाहर चला गया है ये आपको पता हो जनवरी ट्वेंटी से ही जो है ये बाहर हो गया है और ये ट्वेंटी में जो है टू में मेम्बर बना था उसके बाद हम देखते हैं कि जो केन्या के प्रेसिडेंट विलियम रूटो हैं, वो इंडिया की विजिट पर थे ठीक है ये भी हमें पता होना चाहिए और हमने लाइन ऑफ क्रेडिट कितना दिया है अब केन्या को वो है यूएसडी 250 मिलियन ओके लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है हमने ठीक है साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज दैट इंडिया रियलेक्ट किया गया टू इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 24 25 ठीक है तो इसके हम फिर से री एलेक्ट मेम्बर हो गए हैं ये आपको पता होना चाहिए और इसका जो इलेक्शंस कहाँ पर हुए थे वो इसकी थर्टी थर्ड असेंबली जो कहाँ हुई थी लंदन में हुई थी ठीक है इसके बाद देखते हैं पाकिस्तान जो है वो वाइस चेयर हो गया है यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप ठीक है तो ये थोड़ी एक्सेप्शनल न्यूज़ है पता होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही रेयरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट पर आ पाता है तो वो वाइस चेयरमैन बना है भी यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में और इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एशिया को इन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन तो ये भी जो है सैम्पल पेपर सी एस आई आर में दिया गया था कि कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन की मीटिंग कहाँ पर हुई थी तो एक्चुअल में ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है रोम इटली वहाँ पर हुई थी ठीक है तो इसका हेडक्वार्टर की लोकेशन भी आपको इंडायरेक्टली पता होनी चाहिए और इसकी जो है एक्चुअल में क्या होती है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये टोटल सेवन ज्योग्राफिकल रीजन्स में इसने डिवाइड किया हुआ है लाइक अफ्रीका एशिया यूरोप लेटिन अमेरिका कैरेबियन, नियर अर्थ नियर ईस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट पैसिफिक ठीक है और जो चेयरपर्सन है इसके वो स्टीव है एट प्रेजेंट नेक्स्ट देखते हैं दैट सेशन जो हुआ है यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज तो ये कहाँ पर हुआ है ये कसाने रिपब्लिक ऑफ बोतसवाना ठीक है बोतसवाना की कसाने में हुआ है ये आपको पता रहे और इसके चेयरमैन जो रहे हैं वो रहे हैं मुश्ताक मुराद ठीक है और यहाँ पर जो है इंडिया की तरफ से इंडिया का जो गरबा डांस है इसको इसमें इंक्लूड किया गया है ये इंपॉर्टेंट रहे जो गुजरात का गरबा डांस है एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स ये कहाँ पर हुई है ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई है थाईलैंड की जो रॉयल नेवी है उसकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है देन द वाइट लंग सिंड्रोम तो ये कहाँ से है ये न्यूज़ ओहियो यूनाइटेड स्टेट से है तो ओहियो एज दर्स्ट यू एस स्टेट टू एक्सपीरियंस ए सर्ज इन केसेज ऑफ न्यूमोनिया लाइक इलनेस जिसको इन्होंने बोला है वाइट लंग सिंड्रोम ठीक है वन लाइनर है पता रहे उसके बाद देखते हैं कि जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं वो वेनेजुला से हम फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं पहले यू के जो सेंक्शंस लगे हुए थे उस वजह से टेम्प्रेली हमने जो है यहाँ से ऑयल इम्पोर्ट बंद किया हुआ था अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट दैट इज इटली ने विड्रॉ कर लिया है बोर्ड ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है इससे वापस इटली बाहर चला गया ठीक है और ये अनाउंसमेंट आई है वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है उनकी तरफ से ये आपको पता हो 2019 में उन्होंने ज्वाइन किया था तब उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे गोशे पे कॉन्टी माउंट मेरापी है वो भी फिर से इरप्ट हुआ है इसकी भी लोकेशन इंडोनेशिया में ही है ये वेस्ट सुमात्रा में देखने को मिलता है ठीक है तो इसका भी आपको पता होना चाहिए हनुका फेस्टिवल है ये कहाँ पर देखने को मिलता है तो ये जूस क्रिसमस फेस्टिवल है हनुका ठीक है तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी क्रिश्चियन क्रिश्चियंस होते हैं उनकी तरफ से होता है इसको चानू का भी बोला जाता है ठीक है और दी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ये दिसंबर सेवन तो दिसंबर टू जो जो है है को इस बार जो है, ये सेलिब्रेट किया गया इसके बाद देखते हैं दैट सिडाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट ओके चाइना से ये न्यूज है क्यों है ये न्यूज कि चाइना ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है और वो है, ये है कि ये अपने जो ट्रेडिशनल कोलफाइड पावर प्लांट्स है उनसे Uh, अब एडवांस uh, टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना चाह रहा है और उसी कंटेक्स्ट में इन्होंने क्या किया है कि ये न्यू इनका नेक्स्ट जनरेशन गैस कुल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है ठीक है सिडाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस ने जो पीस कीपिंग मिशन है वो माली में एंड कर दिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ठीक है very, very news, ये पता होना चाहिए ऑलमोस्ट टेन ईयर्स तक यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज थी अब इन्होंने यहां से हटा लिए और ये आ, पीस कीपिंग मिशन का डेडलीस्ट मिशन रहा है ग्लोबली क्योंकि यहाँ पर मोर देन थ्री हंड्रेड पर्सनल कैजटीज यहां पर हुई है नेक्स्ट जो न्यूज है दैट रिजोल्यूशन टेक्स प्लेस बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया ठीक है तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था अभी सी एस सी प्रिलियम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्योंकि इनके बीच का जो एरिया था उसको लेकर पूछा गया था कि किससे थे और वहाँ पर आर्मेनिया एक ऑप्शन में था आई थिंक ठीक है और वो नागोर्नो काराभाग रीजन जो है उसको लेकर इन दोनों के बीच में पिछले दो तीन ईयर से जो है कन्फ्लिक्ट था और इवन जो है मिलिट्री फाइट की भी इसमें सिचुएशन आराइज हुई थी पर फिलहाल क्या है कि जो कोप ट्वेंटी नाइन का जो आ, चीफ है वो आ, उसकी मीटिंग बाकू में होने जाएगी अजरबैजान होस्ट करेगा तो उसको ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज़ जो हैं फिलहाल बोल रहे हैं कि हम पीस डील कर रहे हैं और ऐसा कोई इशू नहीं रखेंगे उसके बाद हम देखते हैं दैट मान्या म्यांमार जो है वो अफगानिस्तान को सरफास् कर गया एज ए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओ और ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब जो है इन्होंने ओ कल्टीवेशन पर रोक लगाई है तालिबान ने और इसकी वजह से म्यांमार जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओ प्रोड्यूसर बन गया है फ्रांस में एक और नई चीज ये हुई कि यहाँ पर थिरुवल्लुवर का जो स्टेचू है वो इनोग्रेट हुआ है ठीक है इम्पोर्टेंट न्यूज है फ्रेंच टाउन सरजी में ठीक है नेक्स्ट न्यूज जो देखते हैं कि जो वर्ल्ड की डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है वो कहाँ पर है तो ये भी चाइना की तरफ से ही डेवलप की गई है ठीक है नेक्स्ट न्यूज जो हम देखते हैं दैट जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली वो ऑफिशियली डिक्लाइन कर गए हैं इनविटेशन टू जॉइन ब्रिक्स तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि जेवियर मिली नए प्रेसिडेंट बने हैं और ये थोड़े अलग तरह का इनका कंसेप्ट है तो इन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स में नहीं आना चाहते बाकी अगर देखें तो ब्रिक्स का ऑफिशियली जो इस बार साउथ अफ्रीका में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर यह बोला गया था कि अर्जेंटीना और इसके साथ में सऊदी अरेबिया ईरान इजिप्ट और इथोपिया ये पांच कंट्री जो हैं इसको ज्वाइन करेंगे फ्रॉम जनवरी फर्स्ट 2024 लेकिन अभी अर्जेंटीना कह रहा है कि हम नहीं आना चाहते ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए ओसिन ड्रिलिंगवेशल जो है वो मैंग शियांग में चाइना की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये चाइना की ओशियन ड्रिलिंग वेशल है ठीक है? नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि जो चाइना का डेडलिस्ट अर्थ क्वेक थर्टीन ईयर्स में तो भी वो आया है कहां पर गांसु प्रोविंस में ठीक है ये पता होना चाहिए उसके बाद देखते हैं कि जो डोनाल्ड टस्क है वो पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ठीक है तो ये वन लाइनर ये एक तरह से इनमें ज़्यादा देखने वाली जरूरत नहीं हो जाती है और अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट की हम बात कर ही रहे थे ये एक अनारको कैपिटलिस्ट है अनारको कैपिटलिस्ट एक नई टर्म है इसमें इनका मानना होता है अनारको कैपिटलिज्म में जस्ट ए सेकेंड इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो सभी चीज़ें जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कराई जाती है एक्चुअल में पब्लिक को वो सभी के सभी जो है प्राइवेट कंपनीज़ को दे देनी चाहिए ठीक है और ये टर्म जो है पहली बार मोरे रोथबर्ड की तरफ से लेकर आए थे नाइनटीन में ठीक है तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल सोसाइटी करके इन्होंने अपना कंसेप्ट लेकर आए थे उसी के बेसिस पर आए थे कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे दे देना चाहिए लो एंड ऑर्डर भी जो है पुलिस एजुकेशन हेल्थ एवरीथिंग जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कॉन्ट्रैक्ट पर दे देना चाहिए ताकि वो बढ़िया जो है सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे गवर्नमेंट इतनी अच्छी और एफिशिएंट सर्विसेज नहीं करवा पाती है ठीक है नेक्स्ट स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर वो हैं पेड्रो सांचेज ठीक है तो ये नेक्स्ट टर्म भी जो है इनको मिल गई अभी फिर मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजूक सबको पता होना चाहिए यह तो अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे ठीक है इंडिया के साथ इनका काफ़ी छत्तीस का आंकड़ा देखा गया है अभी अभी रिसेंट पे इनकी पहली विजिट थी वो तुर्की में थी और नेक्स्ट जो थी वो चाइना में थी जबकि नॉर्मली जो ट्रेडिशनली देखा गया है कि इंडिया के जो मालदीव के नए जो भी चीफ आते हैं वो सबसे पहली विजिट उनकी न्यू दिल्ली की हुआ करती है ठीक है इक्वाडोर ने भी अपना नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है दैट इज डैनियल नोबोबा ओके इक्वाडोर की कैपिटल आप देख सकते हैं क्विटो और करेंसी आप यूएस डॉलर ही है। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है क्रिस्टोफर लुक्सन। ओके लग्जम्बर केस में हम देखें तो यह है लुक फ्रीड में लुक ओके okay. और स्लोवेकिया के अगर न्यू प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दैट इज रॉबर्ट फिको। और स्लोवे स्लोवाकिया की अगर कैपिटल देखें तो वो है ब्रातिस्लावा और करेंसी देखें तो यूरो मलेशिया की न्यू किंग की बात करें तो इब्राहिम इब्नी मारहम सुल्तान ओके? ऐसे ही वर्ल्ड स्टील ने अपना नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है दैट इज़ लियोन जे टोपालियम, ओके? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यू एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनोर स्विट्जरलैंड फ्रॉम इंडिया और वो कौन है जो अरिंदम बागची काफी बार आपने देखा होगा क्योंकि एम ई ए के स्पोक्स पर्सन है तो एम की तरफ से जो भी मीडिया रिपोर्ट्स दी जाती हैं ऑफिशियली वो यही दिया करते थे अब इनको यू और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नए एम्बेसडर के तौर पर जेनेवा भेजा जाएगा ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि जो लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मै न क्लाइमेट वीक ट्वेंटी तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसकी चार मीटिंग होती हैं ट्वेंटी में हुई थी क्लाइमेट वीक की करके पहली जो हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी नैरोबी केन्या में उसके बाद नेक्स्ट वन जो हुई थी वो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्लाइमेट वीक वो रियाद सऊदी अरेबिया में एंड देन लेटिन अमेरिका करेबियन क्लाइमेट वीक पनामा सिटी पनामा में और उसके बाद लास्ट हुई थी वो थी एशिया पैसिफिक क्लाइमेट वीक जोहोर बहरू मलेशिया में ठीक है तो इन्हें एक बार आप देख सकते हैं कन्फ्यूज नहीं होना इनमें और ये इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि कोप ट्वेंटी एट के कंटेक्स्ट में ये सब डिस्कशन हुआ था ठीक है और इनमें पार्टनर इनमें इवन जो ऑफिशियल्स हैं वो यू से यू एन ट्रिपल सी से यू से वर्ल्ड बैंक से यहाँ से इनमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं इसके साथ ही जो है ये हमारा पर डिस्कशन ग्लोबल अफेयर्स का कंप्लीट हो गया है और पूरी पूरी कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी यहाँ की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पर कवर कर दी जाए ताकि आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट मिले और एक ही वीडियो लेक्चर में आपका रिवीजन हो जाए ठीक है तो इसको कंटिन्यू करिए इसको पूरा रिवाइज़ करिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके इस एग्ज़ाम के लिए बाकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा ठीक है तब तक के लिए थैंक यू